बना ली थी लास्ट, हमने वेरिएबल के साथ इसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज इसमें हम MongoDB का डेटाबेस कनेक्ट कर लेते हैं। ज़रा पहले एक दफ़ा लाइन बाय लाइन इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि हमने क्या कर लिया था लास्ट। एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट कर लिया था, कोर्स इंपोर्ट किया था, लेकिन इसको हमने इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम सेम ऑरिजिन के ऊपर हैं, ठीक है। पाथ करके एक हमने लाइब्रेरी लगाई थी जो कि बिल्ट इन होती है Node.js के अंदर। ये पाथ हमने क्यों किया था? पाथ डॉट रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। पाथ डॉट रिजॉल्व किस चीज़ के लिए किया था हमने? स्टेटिक के लिए, जो हम स्टेटिक फाइल को सर्व करते हैं, यानी कि होस्टिंग GitHub पेजेस वाला या Firebase होस्टिंग वाला जो काम हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं कि जी पाथ डॉट रिजॉल्व करके ना ये डायरेक्टरी का नेम निकालते हैं कि जी इस जिस भी मशीन में भेजूंगा मैं अपने सर्वर को, तो उस मशीन में इसका जो एड्रेस है डायरेक्टरी में जहाँ पे ये सेव हुआ है वो कहाँ है, आया कि सी ड्राइव में या डी ड्राइव में और कौन से फोल्डर में। तो वो पूरा पाथ मुझे यहाँ मिलता है और मैं उसके बाद बताता हूँ कि अच्छा जी आप स्टेटिक में चले जाओ, अच्छा जी आप पब्लिक में चले जाओ। तो ये दो मैंने जो है ना स्टेटिक फोल्डर यहाँ पे मेंशन किए हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, उसके बाद मैंने ये चार अदद जो है ना राउटर्स बनाए हुए हैं, मिनी राउटर्स, ठीक है, जिसको मैं अपनी मेन ऐप के साथ कनेक्ट किया हुआ है मैंने। अच्छा, उसके बाद मैंने एक्सप्रेस की ऐप को यहाँ इनिशियलाइज़ किया, एक्सप्रेस डॉट जेसन लगाया जिससे बॉडी को पार्स करता हूँ मैं, अगर जेसन बॉडी आती है तो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, /API/V1 पे ना ये ऑथ राउटर को लगा देता हूँ, ठीक है। ये एक मेरा मिनी राउटर है और इस राउटर के अंदर अगर हम जाके देखें कि क्या बना हुआ है, तो इसमें जस्ट दो APIs बनी हुई है, लॉगिन और साइनअप, जिसके अंदर कोई खास काम नहीं हुआ, बस सीधा सीधा रिस्पॉन्स गया हुआ है, यानी वो बता रहा है भाई दिस इज़ लॉगिन, दिस इज़ लॉगिन, दिस इज़ साइनअप, ठीक है। तो ये एक राउटर है, रिक्वेस्ट मेरी इसके अंदर दाखिल होगी, अगर लॉगिन पे हिट हो गई तो हो गई, अगर नहीं हुई तो यहाँ से बाहर निकल आएगी, इधर आ जाएगी और पाइपलाइन मैकेनिज्म में नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मैंने ये एक लगाया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, ये बैरियर लगाया हुआ है एक मैंने, ऐप डॉट यूज़ है क्योंकि ये, तो इससे हर रिक्वेस्ट इससे होके गुजरेगी, ठीक है। यहाँ पे वो रिक्वेस्ट अंदर इसके दाखिल होगी जिसके शुरू में /API/V1 होगा, अदरवाइज इसके अंदर कोई दूसरी रिक्वेस्ट दाखिल नहीं होगी। अगर कोई रिक्वेस्ट बंदे ने लिखा ना कि डायरेक्ट माई अकाउंट base URL/my account, तो वो इधर हिट नहीं होगा, इससे आगे बढ़ जाएगा फौरन, इसके अंदर दाखिल वो नहीं होगी रिक्वेस्ट, ठीक है। लेकिन इस वाले पे हर रिक्वेस्ट दाखिल होगी और हर रिक्वेस्ट इससे होके गुजरेगी। हम इस जगह पे आमतौर पे क्या करते हैं, टोकन चेक करते हैं, इंशाल्लाह जब हम लॉगिन साइन अप करेंगे बहुत जल्दी तो इसके ऊपर हम जो अभी इसके अंदर जो डमी कोड लिखा हुआ है उसको हम रियल बनाएंगे फिर, और इसके अंदर भी जो डमी कोड लिखा हुआ है लॉगिन साइन अप का उसको भी रियल बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास तीन यहाँ पे राउट्स और भी हैं, इन तीन राउट्स के अंदर क्या होता है, इसमें भी एक कमेंट्स को डिलीट करने का, गेट करने का, तो मैं जाके देखता हूँ कमेंट में, इसमें चार APIs बनी हुई हैं, चारों में डमी कोड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं, मेरे पास पोस्ट का एक राउटर है, पोस्ट के राउटर के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है ना CRUD ऑपरेशन का काम हमने किया था जो लास्ट क्लास में, वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट को ऐड करने का, पोस्ट को एडिट करने का, पोस्ट को डिलीट करने का जो सारा मैकेनिज्म है वो यहाँ पे हमने सेटअप किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद हम फीड वाले पोस्ट पे हम जब जाते हैं तो फीड वाले पोस्ट में भी एक API बनी हुई है जिसका सिंपल सा रिस्पॉन्स यहाँ से मैंने भेजा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक API/V1/weather है, ठीक है। ये भी मैंने समझाने के लिए बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने राउटर का इस्तेमाल कर लिया तो हर चीज़ राउटर के अंदर ही करूँ, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, /API/V1 लिखा और साथ में वेदर लगा दिया तो ये ऐसे चलेगा एज इट इज़ जैसे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा होता हूँ, यहाँ पे मैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने बताया था कि स्ट्रिंग जो रिस्पॉन्स आप इस तरह भेजते हैं ना ये हमने नहीं भेजना, यहाँ से हमने क्या भेजना है, जेसन भेजना है, ठीक है। कोशिश करनी है हमने कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दोनों हम जेसन में कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने जेसन भेज दिया, इसी तरीके से ये /API/V2 करके भी मैंने एक वेदर बनाया हुआ है, ठीक है, जहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ एक दूसरा वेदर भेज रहा हूँ। मिसाल के तौर पे अगर राउटर के अंदर मेरे पास V1 और V2 भी हो सकता है, V2 का दूसरा राउटर होगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। अच्छा, तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सारी चीज़ों को अब रिमूव कर देता हूँ, जो सिर्फ हमारे काम की चीज़ें हम सिर्फ वो यहाँ रखते हैं, फीड वाले में कुछ नहीं हो रहा, कॉमेंट वाले में कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। ऑथ वाले को चलो रहने देते हैं और ये पोस्ट वाले को रहने देता है, ठीक है। ऑथ में भी वैसे कुछ हो तो नहीं रहा, डमी कोड लिखा हुआ है, लेकिन चलो इसको हम रहने देते हैं कि एक स्ट्रक्चरल चीज़ है ये, एक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है ये, इस वजह से इसको रहने देते हैं, ठीक है। ये टोकन भी हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट है जो कि ऑनवर्ड्स हम अब जब लॉगिन साइन अप करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इसी तरह से रहेगा। अच्छा, अब हम ज़रा ये राउटर जो है ना, हमारा पोस्ट का जो राउटर है इसके अंदर चले जाते हैं और इसके अंदर जाके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ CRUD ऑपरेशन हो रहा है इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारे
अच्छा एक मैंने गड़बड़ कर दी, एक मैंने गड़बड़ ये की कि इस फोल्डर का कॉपी नहीं बनाया और इसी में मैंने चेंजेस शुरू कर दिए ना, तो इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। सही है, इसकी मैंने एक बना ली है कॉपी, और इसको मैं कर देता हूँ कि भाई विथ MongoDB। अरे यार 7 नहीं लिखा इस पर, 7.MongoDB। ठीक है जी, और मैं क्या करता हूँ, ये 6 में जो चेंजेस किए हैं उसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। 6 में जो चेंजेस किए हैं उसको मैं कैसे डिस्कार्ड करूँगा, मैं बोलूँगा व्यू में जो दिखाओ ट्री वाला, और ट्री वाला दिखाओ, और 6 में मैंने जो चेंजेस किए हैं उसको मैंने यहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, सिर्फ 7 वाले फोल्डर में जो चेंजेस थी उसको मैंने यहाँ से ऐड किया, और मैंने कहा कि जी न्यू कॉपी ऑफ करड विथ वेरिएबल। ठीक है, मैंने जस्ट एक कमिट भी कर दिया लगे हाथों कि जी यहाँ पे ये कमिट करके मैंने उसको ख़त्म कर दिया। अच्छा तो वेल, अब मेरे पास 7 वाले फोल्डर में मैं आ जाता हूँ, और राउटर्स के अंदर आके मेरे पास जो पोस्ट करके है post.mjs उसके अंदर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पे आके अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो ये वेरिएबल बना हुआ है ना, ठीक है, ये वाला वेरिएबल जिसके अंदर नया पोस्ट मैं ऐड कर रहा होता हूँ, इस वेरिएबल को अब मैंने रिमूव करना है यहाँ से, और इसकी जगह पे MongoDB को मैंने ला के यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अच्छा MongoDB को लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं ज़रा मेन सर्वर की फ़ाइल में आ जाता हूँ वापस से, और मेन सर्वर की फ़ाइल में आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे MongoDB को सबसे पहले मैं इम्पोर्ट करूँगा। ठीक है, कैसे करूँगा मैं, इम्पोर्ट MongoDB फ्रॉम MongoDB। सही है, इसको ऑब्वियसली मुझे इंस्टॉल भी करना होगा। ठीक है, चलते हैं ज़रा MongoDB की डॉक्यूमेंट से हम ये चीज़ देख लेते हैं ना। MongoDB के हम डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, और कहाँ है जी वो, लर्न MongoDB 6। रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में जो है वो डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन क्यों नहीं नज़र आ रही मुझे, डॉक्यूमेंटेशन पे बस मैं क्लिक कर देता हूँ। सही है, तो ये मैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स में आ गया। यहाँ पे मुझे कौन सा डॉक्यूमेंट तलाश करना है, गेटिंग स्टार्टेड वाला। क्या बकवास है, अब मैं अलग से लिख देता हूँ यार MongoDB गेटिंग स्टार्टेड। सही है, क्योंकि वो देखो ये फ़ौरन ले आया, वहाँ से मिल रहा नहीं था, ये फ़ौरन ले आया। हाँ ये आ गया ना। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्जन लिखा हुआ है कि 6 वर्जन है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा कह रहा है कि जी दिस ट्यूटोरियल वॉक यू थ्रू द इंसर्टिंग टेस्ट डेटा इनटू MongoDB डेटाबेस एंड क्वेरी दैट डेटा यूजिंग द डॉक्यूमेंटेशन इनेबल्ड वेब शेल। ठीक है, और यू डू नॉट नीड टू डिप्लॉय और इंस्टॉल MongoDB टू कम्प्लीट दिस ट्यूटोरियल। ठीक है, कह रहा है कि MongoDB को आपको अपनी मशीन में ला के डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं करना होगा, जो क्लाउड पे मौजूद डेटाबेस है हम उसको ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे जब हमने फायरबेस का फायर स्टोर पढ़ा था यहाँ पे, जब उसका इंट्रोडक्शन लिया था, तो उसमें क्या होता था जी कि मेरे पास क्लाउड पे ही डेटाबेस वो मौजूद होता था, मैं यहाँ से जस्ट एक एंट्री देता था, वो क्लाउड में जाके वो ऐड हो जाता था, मैं उसके डैशबोर्ड पे जाके उसको देखता था, मुझे दिखता रहता था कि हाँ भाई डेटा आ चुका है। लेकिन ट्रेडिशनली जो डेटाबेसेस होते हैं ना वो इस तरह से नहीं चलते। ये तो क्लाउड डेटाबेस तो ये नया मंजन है, ये बहुत रिसेंट चीज़ है ये क्लाउड डेटाबेसेस। ठीक है, आम तौर पे जो डेटाबेसेस अभी भी हमारे पास जो है ना ट्रेडिशनल डेटाबेसेस, वो क्लाउड पे नहीं होते, वो इन हाउस होते हैं। ठीक है, इन हाउस में क्या होता है कि जी मैं मेरे पास एक मशीन है, और मैं अच्छा सर्वर भी इन हाउस ही होते हैं जो ट्रेडिशनल सर्वर हैं। अब तो खैर इन हाउस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है, और इन हाउस डेटाबेसेस का सर्वर का दोनों का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ता है ये, इसलिए क्लाउड डेटाबेस और क्लाउड सर्वर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे जो जो लोग अपने डेटा को लेके सेंसिटिव हैं, जो लोग नेशनल सिक्योरिटी को लेके सेंसिटिव हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक्स वगैरह, या जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, या जो मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशन हैं, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, क्लाउड पे मूव नहीं करते, वो इन हाउस लगाते हैं, फॉर द वेरी गुड रीज़न कि भाई उनका डेटा ज़रा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, या वो ज़रा लेके सेंसिटिव हैं अपने डेटा को, तो इस वजह से वो इन हाउस करते हैं मजबूरन। ठीक है, अदरवाइज़ कॉस्टली बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो क्यों पड़ता है, कॉस्टली वो इस वजह से पड़ता है कि यहाँ पे 500 MB का डेटाबेस आपको मिल जाता है फ्री में, कोई पाइप ऐसा नहीं लग रहा, आपका छोटी सी एप्लीकेशन भी बन गई। यही चीज़ अगर आप इन हाउस लगाना चाहेंगे ना, तो एक मशीन तो ख़रीदनी होगी ना आपको, एक सर्वर ग्रेड का कंप्यूटर तो ख़रीदना पड़ेगा ना आपको, तो सर्वर ग्रेड का कंप्यूटर इस वक्त कम से कम 2 लाख का तो मिलेगा ही।
उससे कम का तो नहीं मिलेगा ना, 2 लाख के तो पर्सनल कंप्यूटर अब 2-2 लाख के मिलते हैं। तो नया नए की बात कर रहा हूँ हमारे यहाँ, क्योंकि लैपटॉप जो हम खरीदते हैं आमतौर पर वो ज़रा रिफर्बिश होता है या तो वो यूज्ड होता है, तो ज़रा वो 40-50 हज़ार में मिल जाता है, यही रेट है ना। लेकिन वो रिफर्बिश की वजह से आप उसी लैपटॉप का मॉडल नंबर लिखेंगे ना और चेक करेंगे ये आया कितने का था नया, तो आप देखेंगे वो 2 से 2.5 लाख का लैपटॉप है जो आपको 50 हज़ार में मिलता है। तो 2-2.5 लाख का तो पर्सनल कंप्यूटर हो गया अब, तो सर्वर ग्रेड का जो कंप्यूटर है और वो भी नया जिसमें 2 साल की वारंटी भी होती है, पता नहीं वो SLA भी होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, और उसकी ज़रा सर्विस वगैरह की भी होती है वारंटी, पता नहीं और क्या किया, 10 हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं, साथ में उसके एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस भी वो दे रहे होते हैं, तो वो सब मिला जुला के ना वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है, तो और पूरा एक पैकेज होता है वो, तो वो आपको लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। फिर उसमें आपको जितना भी स्टोरेज चाहिए, चलो 500 MB की बात करते हैं, 500 MB तो चलो हर कंप्यूटर में होता ही है, उसमें मैं फिर क्या करता हूँ, एक डेटाबेस इंस्टॉल करता हूँ, डेटाबेस इंस्टॉल करके उसको मैं उसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग करके या तो उसको एक्सपोज करता हूँ मैं इंटरनेट के ऊपर, फिर उसमें खुद से ऑथेंटिकेशन वगैरह के सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करता हूँ मैं, उसको हर वक्त बिजली चाहिए, जैसी बिजली बंद होगी सर्वर आपका बंद हो जाएगा और डेटाबेस आपका ऑफलाइन हो जाएगा, डेटाबेस फिर कोई एंट्री मारेगा ना उस एंट्री पहुंचेगी ना कोई फैच करेगा तो फैच मिलेगा उसको, ठीक है ना, कोई क्वेरी चलेगी सब बंद हो जाएगा, तो बिजली उसको हर वक्त चाहिए, अब आप कहीं से भी उसको ला के दें बिजली, और उसको इंटरनेट हर वक्त चाहिए और इंटरनेट भी अच्छे ग्रेड का चाहिए कि भाई अगर मिसाल के तौर पर 1 लाख बंदों ने एक साथ क्वेरी मार दी और 10-10 KB का डेटा सबके पास जा रहा है अगर, तो 10-10 को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करें तो ये अच्छा खासा डेटा बनता है, तो मेरे पास अगर 20-25 MB का इंटरनेट है ना तो वो शायद फेल हो जाए थोड़े दिनों में, यानी जब जैसे ही ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो वो फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो 20-25 MB का इंटरनेट, अब 20-25 MB का इंटरनेट में अगर 1 लाख लोग मेरे पास रिक्वेस्ट भेजते हैं और सबके पास अगर 1-1 MB का डेटा जा रहा है तो 1 लाख MB बन गए, अब वो 20-25 MB का जो इंटरनेट है पर सेकंड का, तो उसको 1 लाख MB भेजने में कितने सेकंड लगेंगे, फिर अगर एक इंटरनेट का कनेक्शन है वो 1 सेकंड में 25 MB का डेटा भेजता है तो 1 लाख MB भेजने में उसको कितना टाइम लगेगा, घंटों लग जाएंगे, सही है, तो वो बस एक बंदा जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसको 1 घंटे बाद जवाब मिलेगा, तो ऐसा बेहतरीन चलेगा ना फिर आपका, ये मज़ा आ जाएगा यूज़र को आपके, तो आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, कम से कम 500 MBPS का तो हो ही यार, कम से कम 500 MBPS, हाँ मिनिमम है ये, ठीक है, अगर अदरवाइज़ अगर 5-6 GBPS का हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, 5-6 GBPS का इंटरनेट आमतौर पर लेते हैं जो लोग सर्वर अपने घर वर में, अच्छा हमारे यहाँ ज़रा रिवाज नहीं है ना ये वाला, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में मैंने ये देखा है लोग ज़रा स्टार्टअप वगैरह भी इस तरह का चला रहे होते हैं, ठीक है, MongoDB भी एटलस भी सारा डेटाबेस अपने घर पे नहीं लगा के बैठा हुआ, ये भी आउटसोर्स करता है, आप अपना कंप्यूटर घर पे तैयार करें, खड़ा करें और इनको आप आउटसोर्स कर दें, तो वहाँ जो डेटा होगा वो आपके पास आगे सेव हो रहा होगा, फिर आपके पास से उठ के जा रहा होगा, तो इस तरह के लोगों ने स्टार्टअप वगैरह भी जुगाड़ भी मारा हुआ है, तो वो लोग लगाते हैं और वो फिर पूरा इंटरनेट पर लोगों ने बताया होता है कि जी आप किस तरह सेटअप करें, क्या करें, कौन सा हार्डवेयर अच्छा है, कौन सा इंटरनेट अच्छा है, किस तरह की तारें इस्तेमाल करें, क्या करें, वो सारा उसको बता रहे होते हैं, क्योंकि वो वंस लग जाता है वो फारिग होते हैं और टिकटॉक बना रहे होते हैं, फिर तो वो टिकटॉक पे सारी चीज़ें बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे करोगे आप तो इतना महीने के इतने बनाता हूँ मैं और ये वो है ना, वो आजकल बड़ा ये चला हुआ है, वो एक बंदा बोलता है भाई वेंडिंग मशीन लगाता हूँ मैं सब जगह, वेंडिंग मशीन से जाता हूँ सिर्फ सिक्के निकालता हूँ और मैं ले आता हूँ, सही है, सिर्फ सिक्के गिनता हूँ बैठ के बस, वो ये नहीं बताता कि उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, धारा हर चीज़ के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो कोई भी इस तरह की चीज़ में जब इन्वॉल्व हो ना तो ज़रा ड्रॉबैक्स को भी सर्च कर लेना एक दफ़ा। वेल, तो अब वो ऑन हो गया, सब कुछ हो गया, इंटरनेट मिल गया, बिजली मिल गई उसको, अब उस पर चाहिए, अच्छा बिजली क्या कोई सस्ती है, बिजली सस्ती तो नहीं है, अगर आप, मैं सर्वर ग्रेड के कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, एक आप गेमिंग पीसी भी बनाते हो तो उसमें कम से कम 600-700 वाट की पावर सप्लाई लगी हुई होती है, ठीक है, तो जब आप सर्वर ग्रेड का पीसी होगा आपके पास तो उसमें भी 600-700 वाट की तो होगी ना पावर सप्लाई, या 1000 वाट की पावर सप्लाई होगी, 1000 वाट का मतलब ये होता है कि अगर वो फुल पोटेंशियल पे चला अपने तो वो 1 घंटे में 1 यूनिट गिराएगा, ठीक है, तो 10 घंटे तो चलेगा ना दिन में, वो पीक पे जो पीक आवर्स होते हैं 10 घंटा होता है वो, यानी सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है और शाम को 5-6 बजे तक 10 बजे तक चलती है मार्केट, तो ये 10 घंटे पीक आवर होते हैं, तो वो 10 यूनिट सीधे गिराएगा आपके, तो 10 यूनिट के हिसाब से आप लगा लें 50 रुपये का 1 यूनिट है, जो रेजिडेंशियल की बात हो रही है, अभी कमर्शियल का तो रेट मुझे नहीं पता अभी क्या हुआ है आजकल, तो वो 50 × 10 500 रुपये का दिन में उसने बिजली खाई है, तो 10 दिन में 5000 और महीने में 15000, तो 15000 का सीधा सीधा सिर्फ बिजली का खर्चा है, इंटरनेट जो है 500 MBPS का इंटरनेट जो घटिया से घटिया ना वो 3-4 हज़ार का है पर मंथ,
ठीक है, और जो अच्छा वाला है, जो डेडिकेटेड कनेक्शन है, जो 500 Mbps का, वो शायद कोई 80-90 हज़ार पर मंथ का डेडिकेटेड कनेक्शन जो है। एक तो ये होता है ना शेयर्ड वेयर्ड कनेक्शन होता है, उसमें ज़रा स्पीड का भी कम ज़्यादा भी हो रही होती है। जो डेडिकेटेड कनेक्शन होते हैं उसमें स्पीड कम ज़्यादा नहीं होती, फिक्स रहती है, ठीक है। और ज़रा फिर वो उसका पिंग वगैरह अच्छा होता है। असल में हम तो कंज्यूमर लेवल का इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, तो हम वो चीज़ें कभी हमने देखी नहीं होती कि जी वो लेटेंसी वगैरह हम चेक ही नहीं करते कभी, ना हमारे केबल वाले को ये बातें पता होती हैं। तो वो लेकिन इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वही 500 MB का इंटरनेट का कनेक्शन आपको 4,000 में भी मिलेगा और वही आपको 4,00,000 में भी मिलेगा। सही है, तो इंटरनेट के कनेक्शन में बड़ा फ़र्क होता है। तो आप अगर एक नॉर्मल से इंटरनेट का कनेक्शन लगाएंगे तो 20-25 हज़ार ये भी कम से कम आपके अंदर हो ही गए, तो 50,000 तो यही हो गए पूरे। फिर एक बंदा उस पर आप रखेंगे, क्योंकि जाहिर है आप हर वक्त बैठ के उसको देखते तो नहीं रहेंगे ना कि ये ऑन है या ऑफ है। कंप्यूटर कभी खुद से भी रीस्टार्ट हो जाता है, बिला वजह भी हो जाता है, रीस्टार्ट हो जाता है ना। तो या फिर उसमें कोई ऐसा एरर आ गया है जिसकी वजह से कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया, उसमें रैम अचानक ख़राब हो गई उसकी, या हार्ड ड्राइव उसकी बैठ गई, ख़राब हो गई, तो ये कौन देखेगा उसको? तो एक बंदा होना चाहिए ना उसके ऊपर 24 घंटे के लिए, जो हर वक्त उसको देखता रहे। तो 25,000 मिनिमम सैलरी है, तो भाई टेक्निकल बंदा 25,000 तो नहीं लेगा ना महीने के, वो तो कम से कम 80-90 हज़ार मांगेगा। और वो फिर 24 घंटे के लिए का मतलब है दो शिफ्ट हैं, एक शिफ्ट नहीं दो बंदे चाहिए, दो शिफ्ट में बैठेंगे वो, उसको देखेंगे बैठ के, मॉनिटर करेंगे, उसको टेक केयर करेंगे जो भी उसको करना है। फिर दूसरा ये है कि जो उसके साथ आपको कुछ और भी इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपको रेड कंट्रोलर चाहिए होगा। रेड कंट्रोलर ये होता है कि जी 5 हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, जिसमें से क्या होता है डेटा को रिडंडेंसी कर रहा होता है वो, कि 5 हार्ड ड्राइवों में उसको ऐसे सेव करता है कि अगर कोई एक हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाए ना तो डेटा आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है। उसको हम रेड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, रेड 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 तरह की रेड की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो बहरहाल अपनी डिपेंडिंग ऑन योर नीड आप या तो रेड 1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे या 2, 3, 4, 5 किसी एक पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। जो रेड 5 की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें ये होता है कि 5 हार्ड ड्राइव होती है, उसमें से 4 भी अगर ख़राब हो गई ना एक वक्त में तो डेटा आपका ज़ाया नहीं होता, ठीक है। वो पूरी 5 हार्ड ड्राइवों में पूरा का पूरा डेटा जो है ना डुप्लीकेट करके बैठा हुआ होता है। लेकिन रेड 5 में मसला ये होता है कि अगर आपने 100-100 GB की 5 हार्ड ड्राइव लगाई हुई है ना, तो डेटा स्टोर आपका 100 GB ही होगा सिर्फ, 500 GB नहीं होगा, ठीक है। तो ज़रा वो क्योंकि रिडंडेंट करता है ना, एक ही डेटा को 4 जगह सेव करता है वो, तो वो रेड कंट्रोलर चाहिए आपको। फिर उस जो हार्ड ड्राइव ख़राब हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको नई हार्ड ड्राइवें बैकअप में भी चाहिए, कि नई हार्ड ड्राइवें पड़ी होंगी, कोई एक ख़राब हो तो निकाल के आप फ़ौरन दूसरी लगा सकें, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, अभी तो ये छोटी मोटी बात की है मैंने, इसकी इस तरह के और भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। फिर अगर कोई गवर्नमेंट घर पे आप नहीं लगा सकते, ये जो पाकिस्तान में तो खैर इन चीज़ों को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आपने अपने घर में ये लगा लिया ना सर्वर, तो वो कहते हैं ये तो कमर्शियल है काम, ये तो ये रेजिडेंशियल बिजली पे ये काम नहीं हो सकता, फिर रेजिडेंशियल जगह पे ये काम नहीं हो सकता, फिर वो सर्वर नॉइस करता है ज़रा, वो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ता है अपने, तो रेजिडेंशियल इलाकों में ये काम आप नहीं कर सकते, आपको कमर्शियल बिल्डिंग में ये काम करना है। तो ज़रा वो वाले मसले मसाइल भी हैं। कमर्शियल की फिर हर चीज़ अलग होती है, टैक्स हमारे यहाँ तो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता ना, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स तो नहीं होता ना। मैं जिस घर में रह रहे हो उसका कोई टैक्स देते हो? नहीं देते ना। गाड़ी का होता है, जिस गाड़ी चलाते हैं तो हर साल 600-700 रुपये, डिपेंडिंग ऑन के कौन सी गाड़ी है, 1,000, 1,200, 4,000, 5,000 सालाना टैक्स होता है। तो दूसरे मुल्कों में घर का भी टैक्स होता है, जिस घर में आप रहते हैं वहाँ का टैक्स देना होता है आपको, तो वो टैक्स डिपेंडिंग ऑन के, वो कमर्शियल जगह है तो उसका टैक्स ज़्यादा है ऑब्वियसली, ठीक है। हाँ, मोटरसाइकिल का भी टैक्स होता है सालाना। हाँ नहीं, वो जो छोटी वाली बाइक है ना 70 जो है, या 150 या 200 cc, 200-250 cc तक तो ये है कि वो जब आप बाइक परचेज करते हैं ना तो उस वक्त सारा टैक्स एक ही झटके में ले लेते हैं आपसे, और लाइफ टाइम पेड लिख के दे देते हैं। लेकिन जो बड़ी बाइक है ना उसमें तो आपको भाई सालाना देना होता है, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, जो क्रूज़र कैटेगरी है, तो उसको तो वो ज़रा फिर दूसरे तरह से ट्रीट करते हैं, उसमें सालाना देना होता है आपको। अब मुझे बहरहाल इतना सही नहीं पता, क्योंकि मेरे पास भी जो है उसका भी वो लाइफ टाइम पेड लिखा हुआ है उसके ऊपर ना, उसका टैक्स नहीं देना होता। तो भाई कहने का मकसद ये है कि जो क्लाउड डेटाबेसेस और क्लाउड वाले सर्वर जो हैं, इसमें क्या होता है आपके पास पे एज यू गो होता है। आपने 500 MB का डेटाबेस लिया, अब ज़रा इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं हम, कि अगर मज़ीद मैं इससे डेटाबेस, अगर पैसे मज़ीद इसको देता हूँ मैं और मैं इससे वो करता हूँ कुछ, तो ये आप देखें सर्वर लेस एक पैकेज है इनका, जिसमें पर मिलियन रीड्स के ऊपर पैसे चार्ज कर रहे हैं। पर मिलियन रीड पे मतलब जितनी दफ़ा रीड राइट ऑपरेशन होगा ना उस हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे हैं।
पर मिलियन रीड का मतलब क्या है कि आपके पास 1 मिलियन यूज़र अगर आपके पास मौजूद है और वो क्या करता है, 1 मिलियन बंदा एक दफ़ा आपका पेज खोलता है और एक पेज खुलने पे एक रिक्वेस्ट लगती है, तो ये 1 मिलियन रिक्वेस्ट लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलियन यूज़र अगर आपके पास है और वो दिन में अगर एक यूज़र ऑन एवरेज आपके 500 रिक्वेस्ट मारता है दिन में 500 रिक्वेस्ट, क्योंकि जब आप पेज रिफ्रेश करते हैं तो बहुत सारी रिक्वेस्ट पीछे लग जाती हैं, ठीक है, आपको नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं होता कि एक दफ़ा करें। अच्छा, इसको भी बचाते हैं भाई दबे, हमने एक हरकत की है यहाँ पे जो मुझे बाद में वो हुआ, हमने ये किया है कि जब हम नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं ना तो पेज रिफ्रेश होने दिया हमने उसका, जिसकी वजह से वो सारा रिकॉर्ड दोबारा ऐड करता है। ये गलत अप्रोच है, हम उसको एक रिक्वेस्ट को भी बचाते हैं, हम कहते हैं नहीं भाई, जो अभी रिक्वेस्ट मैंने भेजी है वही आएगा ना पलट के वापस, तो मैं उसको सर्वर से नहीं लाता, मैं लोकली उसको चेंज मार देता हूँ वहीं पर, सर्वर की एक रिक्वेस्ट मैं बचा लेता हूँ, ठीक है। सर्वर की रिसोर्सेज बड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो सर्वर की एक एक रिक्वेस्ट, एक एक वेरिएबल का एक एक बाइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा कीमती होता है। तो वो जो हमने की है ना चीज़, वो अच्छी बात नहीं है, वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो हम उसको बचाते हैं कि यार एक जब यहाँ से फ्रंट एंड से गया है डेटा, तो अगर कोई ऐसा उसमें चीज़ नहीं है जो सर्वर से पलट के आनी है अगर, तो मैं उसको फिर दोबारा से नहीं मंगवाता, मैं यहीं से ही उसको लोकली चेंज मार देता हूँ, यूज़र को लगता है वो अपडेट हो गया। अगर तो सर्वर से कोई चीज़ आनी है उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कि जी मैंने पोस्ट ऐड की, और सर्वर क्या करेगा उसको आईडी असाइन करेगा और वो आईडी भी डिस्प्ले करानी है मैंने, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि सिंगल पोस्ट मंगवाता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ और सिंगल मंगवा के बीच में उसको डालता हूँ, पूरे को नहीं मंगवाता, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें भी हम कर रहे होते हैं। वेल, तो मैंने बोला भाई मेरे पास 1 मिलियन यूज़र है मेरे प्लेटफॉर्म पर, डेली की 500 रीड राइट करता है एक यूज़र ऑन एवरेज, तो मेरे पास कितना हो गया 500 मिलियन। अच्छा, 500 मिलियन रीड राइट पे मेरा 10 सेंट के हिसाब से लगा लो, सही है, 10 सेंट को जो है ना आपने क्या कर दिया, 500 से मल्टीप्लाई मार दिया, $50 बनेंगे। आप इमेजिन कर सकते हो 1 मिलियन यूज़र मेरे प्लेटफॉर्म पे और $50 मेरा बिल बन रहा है, डेटाबेस का, सर्वर का अलग बनेगा, डेटाबेस का अलग बनेगा। $50 इज़ नॉट अ बिग डील, $50 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, 15,000 मेरे ख्याल, 15,000 बनेंगे ना 300 के हिसाब से अगर, वैसे तो रेट अभी थोड़े कम हो गए हैं, 270-275 पे आ गए हैं, लेकिन हम 300 के हिसाब से भी 15,000 बनते हैं, सही है ना, ऐसा ही है ना, गलत तो नहीं कैलकुलेट कर रहा मैं। तो अच्छा, फिर एक है डेडिकेटेड। अच्छा, इसमें 1 टेराबाइट तक स्टोरेज आपकी जा सकती है इस पैकेज में, 1 टेराबाइट से जब आप एक्सीड करेंगे तो फिर आप आ जाएंगे अगले प्लान पर। इसमें 10 GB से लेकर 4 टेराबाइट तक जा सकते हैं आप। रैम इसके अंदर आपकी 700 GB तक की रैम आपको अलाउ करते हैं ये, ठीक है। तो बस आप ये देख लें, $57 पर मंथ से ये स्टार्ट है, और इसका नीचे एक कैलकुलेटर इन्होंने दिया हुआ होगा, इस कैलकुलेटर के ज़रिए ना हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अब आपने कौन सा क्लस्टर लिया हुआ है, किस ग्रेड की मशीन ली हुई है। मैंने कहा भाई मैं सबसे बेस्ट मशीन लूँगा M700, जिसमें 400 GB का स्टोरेज है, ठीक है, 700 GB की रैम है और 96 कोर का CPU है, 96 CPU लगे हुए हैं उसमें एक मशीन में। पर्सनल कंप्यूटर में हमारे एक CPU होता है आमतौर पर, ठीक है, तो यह 4 कोर का CPU, तो उसको 4 CPU बोल सकते हैं, तो ये 96 कोर्स हैं इसके अंदर, और ये $33 पर आवर के हिसाब से, $33 पर आवर के हिसाब से का मतलब क्या है, 33 × 24, तो दिन के बनेंगे $700 और उसके बाद बनेंगे 30 डे के $23,000 बने तकरीबन ये, ठीक है। तो इस मशीन के $23,000 पर मंथ मुझे देना पड़ेगा अगर मैं ये वाली मशीन इनकी लेता हूँ तो। लेकिन $23,000 पर मंथ क्या कोई ज़्यादा रकम है? अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इस वजह से नहीं है क्योंकि ये जो मेरा ये मशीन है ना जो मेरी है, ये मेरी शायद 50 मिलियन यूज़र मेरा संभाल रही है, या 100 मिलियन यूज़र भी शायद ये संभाल ले, जिसको 1 बिलियन कहते हैं। 1 बिलियन यूज़र तो आ ही नहीं सकता आपके प्लेटफॉर्म में कभी, ये अल्टीमेट है, इसकी तो मुझे कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इन्होंने वैसे ही शायद रखा हुआ है प्लेस होल्डर के तौर पर, ये मशीन एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी इनके पास, इन्होंने वैसे ही रखा होगा कि कोई मतलब होता है ना, बहुत सारे लोग ज़रा रिजर्व होते हैं, नहीं यार मैक्सिमम क्या है इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन स्टिल कितना बना था, $23,000 बना था ना पर मंथ, तो $23,000 इतनी ज़्यादा रकम नहीं है कोई, पूछो क्यों नहीं है। जो अमेरिका में जो मिनिमम वेज है बंदे की वो क्या है, $20 है, ठीक है, ऑन एवरेज, वैसे तो $20 से कम भी है लोगों की और ज़्यादा भी है वेल, तो भाई एक टेक्निकल बंदा जो वो $20 पे थोड़ी करेगा, वो कम से कम 40 लेगा,
जो इतना टेक्निकल होगा कि उसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना है, डेटाबेस का बैकअप वैकअप लेना आता होगा, ये लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए होगा हमें। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर सस्ता नहीं है, $40 भी मैंने कम रेट लगाया। जब दो शिफ्टों में बंदा रहेगा ना तो कितने घंटे बनेंगे, 24 घंटे बन गए, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 24 $900 दिन के बन रहे हैं मेरे, और $900 दिन के मल्टीप्लाई बाई 30 दिन 28,000 बन रहे हैं। ये तो सिर्फ बंदे की सैलरी में ही पूरा हो गया इतना, 22,000 से ऊपर निकल गया। ये तो मैं यहाँ के हिसाब से लगाया था ना कि 25,000 है, मैं अमेरिका के हिसाब से तो नहीं लगाया था मैंने ये, तो अमेरिका के हिसाब से तो ये 28,000 बन जाते हैं। तो सिर्फ बंदे की सैलरी में ही पूरी हो गई ये वाली रकम, और इतने ऊपर मुझे जाने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अगर 10 GB का भी स्टोरेज है ना, 512 MB का स्टोरेज, इतनी बड़ी स्टोरेज है कि एक इस तरह के इंस्टीट्यूट का जो डेटा, जैसे हमारे पास तकरीबन सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक क्लासेस चलती हैं बैक टू बैक, तमाम स्टूडेंट का डेटा, उनके क्विज़ का डेटा, हर साल नया बैच आता है उनका डेटा, इस टीचर का डेटा, टीचर की अटेंडेंस, टीचर की सैलरीज, ये सब कुछ स्टोर करेंगे ना हम 500 MB के डेटाबेस में, तो शायद 4-5 साल में जाके वो फुल होगा। इतना बड़ा साइज़ होता है 512 MB, ठीक है। तो 10 GB इज़ मोर देन इनफ कोई छोटे लेवल की एप्लीकेशन के लिए, जैसे OLX वगैरह टाइप की ऐप है कोई, तो उसके लिए 10 GB या 20 GB इज़ गुड इनफ। इससे ज़्यादा कभी उसको, ये तो 20 सेंट है पर आवर, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत चीप है क्लाउड डेटाबेसेस। अच्छा, क्लाउड सर्वर को भी जब आप इस तरह कंपैरिजन करेंगे ना, क्लाउड सर्वर का, तो वो भी बड़े चीप हैं। फिर ये AWS के रेट हैं, गूगल के रेट थोड़े से शायद डिफरेंट हैं इससे। गूगल के रेट थोड़े 1-2 सेंट 4-4 सेंट कम है गूगल के रेट, ठीक है। वेल, जिसको जो पसंद है। तो ये ज़रा सा हमने यार कंपैरिजन कर लिया इसकी प्राइसिंग वगैरह पर। फिर इनका ये एक तो ना MongoDB एटलस है इनका, ये जो SaaS प्लेटफॉर्म है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है ये, या आप कह लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी है, दोनों शामिल हैं इसमें, दोनों ही चीज़ें। क्योंकि ज़ाहिर है एक सॉफ्टवेयर भी है जो उधर चल रहा है जिसको हम एज अ सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, और उधर एक हार्डवेयर भी पड़ा हुआ है जिसको हम एज अ सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इनके पास एटलस के अलावा एक एंटरप्राइज वाला भी बंजन है। एंटरप्राइज में क्या होता है कि आप इनसे बात करते हो, और इनसे बात करके आप सारा कुछ होता है इसका, कोई प्राइसिंग वगैरह यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ। ये डायरेक्ट कहते हैं कॉन्टैक्ट सेल्स, सेल्स के बंदे से आप बात करोगे कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता देगा फिर कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, वेल, हम वापस आ जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, और गेटिंग स्टार्टेड वाले डॉक्यूमेंट में आके हमने क्या देखा कि नेक्स्ट स्टेप सेटअप योर ओन डिप्लॉयमेंट। अच्छा, ये इन्होंने स्टेप्स ना यहाँ पे पूरा बताया हुआ है, कह रहा है भाई MongoDB एटलस का ना फ्री टियर पहले तो एक्टिवेट करो आप। तो हम क्या करते हैं, साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, साइन इन पे मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि सही है, अच्छा साइन इन पे क्लिक करना होगा, लॉग आउट हुआ भाई। MongoDB एटलस के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉग इन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझसे वो शुरू में 1-2 सवाल पूछेगा, आप भी जब लॉग इन विद गूगल करेंगे आपसे 1-2 सवाल पूछेगा, नाम वगैरह, और आगे कर देगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या आ जाता हूँ, देखो गौर से समझो इस चीज़ को, ये वाली चीज़ देख रहे हो, दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ तो तीनों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। SysBorg ये मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मेरी ऑनरशिप में है ये। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट बना हुआ है इस वक्त, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं। क्लस्टर 0 मेरे पास ये बना हुआ है, तो इस क्लस्टर को मैं कर देता हूँ डिलीट। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्लस्टर बना हुआ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको डिलीट अब कैसे किया जा सकता है, इस क्लस्टर को, इसको डिलीट करूँगा तो फिर सही होगा ना, ताकि दोबारा क्रिएट करेंगे फिर, ठीक है। टर्मिनेट कर दिया मैंने इसको, इस क्लस्टर को मैंने टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि जब आप अकाउंट बनाएंगे तो क्लस्टर बना हुआ उसमें पहले से नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है क्लस्टर का यहाँ पे नाम लिख दो। क्लस्टर किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा, अंग्रेजी में क्लस्टर किस चीज़ को कहते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय क्लस्टर, गुच्छे को कहते हैं क्लस्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लस्टर है ना, ये डेटाबेस नहीं है, बल्कि इस क्लस्टर के अंदर एक से ज़्यादा डेटाबेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो हम बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्लस्टर है। क्लस्टर एक ही था मेरे पास, फ्री में एक ही क्लस्टर बनाना अलाउ करता है ये। उस एक क्लस्टर में अनलिमिटेड डेटाबेसेस हो सकते हैं, 1, 2, 5, 10, 12, 50, जितने भी आप डेटाबेसेस बना दो वो बना देता है, उसमें मना नहीं करता वो।
लेकिन ओवरऑल जो मेरा पूरा क्लस्टर है ना उसका साइज 500 से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। मेरा जो पूरा क्लस्टर है उसमें 4, 5, 6, 10, 12 जितने भी डेटाबेसेस हैं उनका कुल मिला के जो साइज़ है वो 500 MB से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ये 500 MB वाला फ्री टियर है, ठीक है जी। अच्छा तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ भाई बिल्ड डेटाबेस। मुझसे ये देखो आप पूछ रहा है, मैं क्लस्टर बना रहा हूँ ना, मुझसे पूछ रहा है कौन सा वाला बनाना है। 3 पैकेजेस हैं मेरे पास, जिसमें से 0 वाला मैं वो करूँगा जिसमें मुझे बता रहा है ये स्टोरेज 512 MB होगी, रैम शेयर्ड होगा, प्रोसेसर शेयर्ड होगा, ठीक है। यानी एक ही प्रोसेसर और एक ही रैम को एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो ये 1 TB तक बता रहा है, ऑटो स्केल है, ऑटो स्केल है। अगर हम इसमें देखें तो ये फिक्स वाला है, 2 GB रैम और 2 CPU वाला है, 10 GB स्टोरेज है, ठीक है। इसका ये रेट भी यहाँ लिखा हुआ है। बहरहाल मैंने 0 वाले को सेलेक्ट करके और क्रिएट का बटन दबा दिया, तो ये क्या हो गया जी, मेरा डेटाबेस का जो क्लस्टर था ना वो क्रिएट हो गया यहाँ पर। अच्छा, क्लस्टर क्रिएट होने के बाद मुझसे ये क्या पूछ रहा है, मुझसे कह रहा है कि ना आप यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करो। ये यूज़र नेम और पासवर्ड किस चीज़ का सेट हो रहा है, मेरे डेटाबेस का हो रहा है, ये MongoDB Atlas के अकाउंट का नहीं हो रहा, याद रखें। MongoDB Atlas का अकाउंट मैंने लॉग इन विद गूगल जो किया है ना, ये इसका पासवर्ड नहीं है। ये वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड अगर किसी को मिल जाता है अगर, तो वो मेरा MongoDB Atlas लॉग इन नहीं कर सकता, बल्कि वो मेरे डेटाबेस में रीड राइट के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इसके ज़रिए, ठीक है। तो मैं आके यहाँ पर बना देता हूँ यार। अच्छा, मेरे पास पहले से भी 2 यूज़र बने हुए हैं, आपके पास ये वाले पहले के 2 यूज़र नहीं होंगे, तो मैं पहले वाले दोनों यूज़र को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ भाई DB यूज़र इसका यूज़र नेम और DB पासवर्ड इसका, DB पासवर्ड इसका मैंने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। और क्रिएट यूज़र का मैंने बटन दबा दिया, तो पहला काम ये हो गया। क्लस्टर बनाने के बाद सबसे पहला काम आपने क्या कर दिया, यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर दिया। एक से ज़्यादा यूज़र नेम और पासवर्ड भी आप बना सकते हैं, लेकिन एक फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। उसके बाद वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट फ्रॉम, कि आपने कहाँ से इसको कनेक्ट करना है, ठीक है। मैंने कहा जी मेरे क्लाउड इन्वायरमेंट से मैंने कनेक्ट करना है, ठीक है, या मैंने लोकल इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है, ठीक है। दोनों सूरतों में मुझसे ये क्या पूछ रहा है, दोनों सूरतों में मुझसे ये पूछ रहा है कि भाई आप ना IP बता दो उसका, जहाँ से कनेक्ट करोगे उसकी IP बता दो क्या है, ठीक है। तो मैं अगर माई लोकल इन्वायरमेंट पे क्लिक करता हूँ या इधर क्लिक करता हूँ तो नीचे का फॉर्म चेंज नहीं होता, ये पता नहीं उन्होंने क्यों लिखा है, ये पढ़ लेते हैं इसको। बल्कि यूज़ दिस टू ऐड नेटवर्क IP टू द लोकल लिस्ट, कैन मॉडिफाई एनी टाइम, यूज़ दिस टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क एक्सेस बिटवीन एटलस एंड योर क्लाउड ऑन प्रीमिसेस इन्वायरमेंट। अच्छा, स्पेसिफिकली सेट अप योर IP लिस्ट नेटवर्क पेयरिंग। अच्छा, तो ये तो हमारा खैर है ही नहीं सीन ना, ये वाला, ये कह रहे हैं ऑन प्रीमिसेस के लिए ये वाला है, हमारे केस में हमेशा यही रहेगा, हमेशा ये वाला रहेगा। वेल, तो ये कह रहा है यार इसकी IP आप लिख दो। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ना जब ऐड माई IP एड्रेस, तो इस वक्त मेरी जो IP है उसको ये डिटेक्ट करके और ऑटोमेटिकली यहाँ देखो नीचे इसने ऐड कर दिया क्लिक करते ही। इसको मैं दोबारा रिमूव करके दोबारा दिखा रहा हूँ, देखो क्लिक किया मैंने, ऐड कर दिया इसने ये मेरी IP को यहाँ पर, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव करूँगा मैं, और मैंने यहाँ पर देखो एक IP ऐड की हुई है 4x0 और /0 करके। इसका मतलब होता है कि किसी भी IP से कहीं से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है, इसका मतलब है, ठीक है। इसको मैं रिमूव भी करूँगा तो रिमूव भी हो जाएगा, और मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, दोबारा से इसको 4x0/0 करके मैंने ये बात लगा दी यहाँ पर, ठीक हो गया। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये दो चीज़ हो गई। अच्छा, ये वाला जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि आप इस तरह से इसमें IP लिखें, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लोकल मशीन की IP इस तरह आप लिखें करंट IP करके, और जब आप इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे ना, जैसे गूगल ऐप इंजन पे या साइक्लिक पे, तो गूगल ऐप इंजन और साइक्लिक दोनों आपको क्या बताते हैं, IP बताते हैं। अच्छा, नहीं भी बता रहे तो आप वो इंटरनेट से उसकी IP निकाल लें आप, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो जब आप पिंग करते हैं किसी पे, ठीक है, या हु इज़ की कमांड चलाते हैं, तो उससे आपको हर डोमेन के पीछे एक IP होती है ना, ये तो पता है ना सब लोगों को। तो मिसाल के तौर पर जो भी URL आपको मिला है, उस URL के ज़रिए आप उसकी IP तक पहुंच सकते हैं। हमने ये एक दफ़ा करके भी देखा है इस क्लास में कि google.com की हमने IP निकाली और वो IP डायरेक्ट लिखा तो वो चल रहा था, करके देखा है यहाँ पे हमने इस क्लास में। Facebook का किया था ना, तो किसी भी URL का बहरहाल IP हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता वो IP ही है, वो URL तो जस्ट एक DNS का एक रिकॉर्ड होता है, ना DNS में, अदरवाइज़ तो IP पे चल रहा है पूरा इंटरनेट, ये URL कोई चीज़ नहीं होता, असल तो IP होती है, ठीक है। जो डोमेन का नाम है ना facebook.com इज़ नथिंग, इसके पीछे असल में एक IP होती है, ठीक है। तो वो IP यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये दो काम हो गया, फिनिश एंड क्लोज। यहाँ पे जो मेरा जो ना अपना
डेटाबेस की जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जो सेटअप था इसका, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मेरे पास एक खाली क्लस्टर यहाँ पे बन चुका है और इसके अंदर कनेक्ट का एक बटन आ रहा है। इस कनेक्ट के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और मुझसे ये पूछ रहा है कि यार कौन से वाले तरीके पे आप जाओगे। तो मैंने इसको बोला कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, जो है ना इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। कनेक्ट टू एप्लीकेशन में पूछा भाई कौन सी एप्लीकेशन है, भाई नॉट जेएस की है, ठीक है। ड्राइवर का वर्जन कौन सा है, 5.5 और लेटर, अभी जो चल रहा है नया वो 6 चल रहा है, MongoDB का जो वर्जन है। तो 5.5 और लेटर किया, उसने बोला भाई आप ये करो, आप ऐसे npm install MongoDB करो आप, सही है। यहाँ पे आके कर लेते हैं npm install MongoDB। ठीक है, मैंने कहा भाई npm install MongoDB, इसको sudo नहीं लिखा मैंने, एरर दे देगा ये, खुद ही कट कर देता हूँ ना मैं, जब पता है मुझे एरर देगा तो। ठीक है जी, MongoDB को मैंने यहाँ इंस्टॉल कर दिया। और MongoDB को इंस्टॉल करने के बाद क्या बोला इसने, उसने बोला कि भाई ये इंस्ट्रक्शन है, ये एक्चुअल मुझे हेलो वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट पे ही लेकर जाएगा। और फिर उसने मुझे बोला कि ना ऐसे करके आप कनेक्ट करोगे, ये व्यू फुल कोड किया मैंने यहाँ पे से, तो यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ गया। अच्छा, ये ज़रा रिक्वायर वाला कोड बता रहा है, ज़रा पुराना कोड बता रहा है ये, ठीक है। हम इसको यही काम करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम इम्पोर्ट के ज़रिए इस काम को करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैं क्या कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और कॉपी करके इसको मैं ले आता हूँ अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। अपनी ऐप के अंदर ला के मैं एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज़ करने से पहले मैं इसको इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड। अच्छा, ये पूरा का पूरा कोड क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो इम्पोर्ट की कमांड है ना ये पुरानी वाली, इसको ज़रा मैं नया बना लेता हूँ। मैंने कहा भाई इम्पोर्ट MongoDB क्लाइंट और सर्वर API इक्वल्स फ्रॉम MongoDB, सही हो गया, ये मैंने सेट कर लिया। उसके बाद मेरे पास है MongoDB URI। URI क्या चीज़ है, वो मेरे डेटाबेस का ये कनेक्शन URL है, ठीक है, मेरे डेटाबेस तक पहुंचने का ये रास्ता है। इसके अंदर देखो क्या चीज़ है, DB यूज़र, और यहाँ पे पासवर्ड की जगह खाली छोड़ी हुई, मैंने DB पासवर्ड लिखा था। ये कौन सा वाला यूज़र और पासवर्ड है, जो मैंने क्लस्टर बनाने के फौरन बाद क्रिएट किया था, DB यूज़र DB पासवर्ड मैंने रखा था, वही सेम मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। बीच में एक कॉलन है ये, जो कि सेपरेट कर रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड को, ठीक है। ये कॉलन यूज़र नेम और पासवर्ड का हिस्सा नहीं है, ये सेपरेटर है ये असल में। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ जी, क्रिएट अ MongoDB क्लाइंट। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा न्यू MongoDB क्लाइंट, और उसमें वो URI पास किया, जो URL है मेरा। अच्छा, कुछ पैरामीटर्स पास किए मैंने, वर्जन क्या लिखा भाई, सर्वर API वर्जन V1 स्ट्रिक्ट ट्रू, और डेप्रिसिएशन एरर ट्रू, कि भाई कोई डेप्रिसिएट हो जाए कोई चीज़ तो उसका एरर यहाँ पे ये शो करे, ठीक है जी। तो इतना कोड समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना नीचे एक इसने क्या लगाया हुआ है, एक फंक्शन इसने बनाया हुआ है जिसका नाम रखा है इसने रन। एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम इसने रखा है रन। और इस फंक्शन में करता क्या है ये, इसमें बोलता है ये कि यार क्लाइंट डॉट कनेक्ट, कि भाई क्लाइंट से ना आप कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, क्लाइंट डॉट डेटाबेस डॉट एडमिन, ठीक है। क्लाइंट के अंदर एक एडमिन के नाम का एक डेटाबेस, ठीक है, डॉट कमांड डॉट पिंग, उसके ऊपर पिंग मारता है, यानी रिक्वेस्ट मार के चेक करता है कि कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। पिंग हम बोलते हैं उसको, किसी चीज़ को हिला के ज़रा देखते हैं ना ऐसे ट्वीट करके कि हाँ यार कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उस चीज़ को कहते हैं पिंग करना। तो पिंग करने की रिक्वेस्ट की इसने, और यहाँ पे कॉन्सोल पे क्या लिखा हुआ आ गया, पिंग योर डिप्लॉयमेंट, यू सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MongoDB, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये अवेट के साथ लगी हुई है रिक्वेस्ट, ये अवेट के साथ लगने का मतलब है कि जब तक वो पिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये कॉन्सोल चलेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर तो पिंग के अंदर कोई एरर आ गया तो सीधा ये कहाँ चला जाएगा, ट्राई के ब्लॉक से निकल के ये इधर नीचे वाले पे चला जाएगा, कैच वाले में, ये आ गया कैच, ठीक है। तो ये ज़रा इसने फैंसी तरीके से किया हुआ है, हमें इस तरह फैंसी तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो हम इस रन के फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से पूरा। हम अब डायरेक्ट क्या करेंगे, वो सॉरी एक चीज़ तो मुझे लगानी थी ना, खैर अभी हम वहाँ पे इंसर्ट वाली कमांड देखेंगे ना, तो उसमें भी हमें ये पता चल जाएगा। ये क्लाइंट डॉट कनेक्ट मुझे करना था ना, ठीक है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट तो मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो डेटाबेस ही कनेक्ट नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो ये सब कुछ देने के बाद मैंने बोला भाई कनेक्ट, और ये पिंग वाला जो काम है चलो ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है, पिंग वाला भी काम हम करके देख लेते हैं। मैं क्या करूँगा, npm run dev करूँगा ना, तो ये चल जाएगा, जो पिंग विंग करना है वो सारा कुछ कर लेगा ये, ठीक है। इसने बोल दिया भाई हाँ भाई सही चल रहा है ये, ठीक है। तो ये रन का फंक्शन हम फिलहाल क्या कर देते हैं, हटा देते हैं,
बस ये कनेक्ट किया मैंने तो ये कनेक्ट हो गया। अच्छा अवेट वाला जो है वो डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, लेकिन ये चल कैसे रहा है? ये अवेट वाला फंक्शन तो डायरेक्ट तो नहीं चलता ये कैसे चल रहा है? वेल पता नहीं एरर क्यों नहीं दे रहा, इसको एरर देना तो चाहिए। अच्छा इसमें हम अवेट ना भी लगाए ना, अगर डायरेक्ट मैं क्लाइंट डॉट कनेक्ट ऐसे भी लिख दूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, अवेट में मैं कहता हूँ यार रुक के खड़े होकर इंतज़ार करो रिस्पॉन्स आने का। मैं अगर अवेट नहीं लगाऊंगा तो वो इंतज़ार नहीं करेगा रिस्पॉन्स आने का, वो क्या करेगा वो आगे चला जाएगा। तो हमें उसको इंतज़ार करवाना भी नहीं है, हमें उसको कहना है भाई आगे जाओ तुम। क्यों? सर्वर चलने के फ़ौरन बाद रिक्वेस्ट आना शुरू नहीं होती। मेरा सर्वर चल जाता है, सब कुछ ओके हो जाता है, उसके सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाती हैं, उसके बाद रिक्वेस्ट आती है। तो हो सकता है पहली दूसरी रिक्वेस्ट फेल हो जाए मे बी, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा वो डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद रिक्वेस्टें सेट हो जाएंगी। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे अवेट लगा भी सकते हैं। ठीक है, जस्ट जो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वेल तो यहाँ अब तक मेरा काम हो गया। अब इसको बंद करके ज़रा मैं वापस कहाँ पर आ जाता हूँ, मेरे हेलो वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाता हूँ मैं। और यहाँ पे आके ना यही सारी बातें यहाँ पे बता भी रहे, देखो गेटिंग स्टार्ट है ना, क्रिएट आ फ्री टीयर एटलेस एटलेस यूआई। ठीक है, इसने कहा भाई आप ऐसे यहाँ पे यूज़र क्रिएट करो जाके, और जो है ना आप कनेक्ट टू योर क्लस्टर का बटन दबाओ। सही है, लोड सैंपल डेटा करो आप। ये सारी बातें यहाँ पे ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, जो मैंने काम किया ना वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, कह रहा है इस तरह से लॉगिन होता है, यहाँ पे इतनी डिटेल में बता रहा है ये। ठीक है, डिप्लॉय या फ्री क्लस्टर एटलस यूआई पे करके देखोगे ना तो स्क्रीनशॉट दिखा रहा होगा, वो कह रहा होगा इस तरह देखो बटन आ रहा होगा बिल्ड है डेटाबेस का, फिर इस तरह तीन ऑप्शन पूछेगा, इस तरह तीन ऑप्शन पूछेगा, बस सेलेक्ट करते जाओ क्रिएट करो हो गया। ऐड योर आईपी बता रहा है कि जी ऐड योर करंट आईपी, ये सब हमने किया है अभी पूरा सीक्वेंस। ठीक है, डेटाबेस यूज़र बता रहा है कि भाई क्रिएट करो आप। ठीक है, कह रहा है यूज़र नेम होगा एक पासवर्ड होगा आप इसको सेट कर दो। ठीक है, कनेक्ट टू योर क्लस्टर, कनेक्ट के लिए क्या कह रहा है MongoDB नॉट जेएस ड्राइवर। इसने कहा भाई ऐसे करके इंस्टॉल करो, यहाँ तक भी हमने कर लिया है काम, और हमने क्या कर लिया ये यहाँ वाला ये वाला भी काम कर लिया। ठीक है, अच्छा इसने इस जगह पे जो कनेक्ट करना बताया ना वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताया और थोड़ा सा सिंपल भी है शायद, तो हम ना ये वाला तरीका कर लेते हैं। वहाँ पे जो वो वाला तरीका था ना उसमें ज़रा सा ये लंबा चौड़ा हो गया था काम। ठीक है, तो इसको हटा के ना कनेक्ट करने का ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा सिंपल लग रहा है। ठीक है जी, क्लाइंट डॉट न्यू MongoDB URL, और फिर इसने क्या किया है क्लाइंट डॉट कनेक्ट इसने भी यहाँ पे चला दिया। ठीक है, और चलो इसको पूरा ही उठा लेते हैं यार। अच्छा, इसको पूरा उठाने का रीज़न क्या है कि यार यहाँ पे ना समटाइम डेटाबेस के कनेक्शन में कोई एरर आता है ना, तो अगर मैंने जस्ट ये लिखा हुआ है ना MongoDB क्लाइंट डॉट कनेक्ट तो मुझे वो एरर स्क्रीन पे दिखेगा नहीं। ठीक है, ये जो इन्होंने कैच लगाया हुआ है ना इससे होगा क्या कि जो है ना वो अगर डेटाबेस के कनेक्शन में किसी किस्म का कोई एरर आता है तो वो मुझे कंसोल पे दिख भी जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी आता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लाइंट डॉट कनेक्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर मैंने हाँ बस ये इतना लिखना काफ़ी है। ठीक है, और URL, अच्छा URI था ना ये। ठीक है, अभी मैंने ये लगा दिया। अब इसमें मैं क्या करता हूँ पासवर्ड को ज़रा गलत कर देता हूँ, ये मैंने पासवर्ड का एक R उड़ा दिया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देखो डेटाबेस का पासवर्ड गलत है और मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर दी इसने, बजाय इसके कि कैच करता ना उस एरर को, मेरी एप्लीकेशन इसने क्रैश कर दी पूरी ना। अब मैं अगर ये वाला काम कर लेता हूँ यहाँ पर जो इसने ये बताया है, तो ये ज़रा कैच करके उसको प्रॉपरली क्या कर रहा है हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ही इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ज़्यादा मुनासिब अप्रोच है ये। ठीक है, इसने एक रन के नाम का फंक्शन बनाया, उस रन के अंदर ही कनेक्ट चलाया है, उस रन के अंदर ही जो है ना वो कनेक्ट सक्सेसफुली भी बोला है। अच्छा, इस वाले में पिंग नहीं बताया इसने, पिंग ज़रा वहाँ पे बता रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हेलो वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है गेटिंग स्टार्टेड का, तो बिल्कुल बेसिक कोड लिखा है यहाँ पे उन्होंने, तो उस एरर को यहाँ पे कंसोल करेगा, मेरी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, और फाइनली क्या करेगा क्लाइंट डॉट क्लोज कॉल कर देगा, यानी जो क्लाइंट कनेक्ट हुआ है, जितने भी क्लाइंट MongoDB के डेटाबेस से कनेक्ट हुए हुए होते हैं ना उनकी एक लिस्ट बनी हुई होती है वहाँ पे, और उनके लिए दरवाजे खोला हुआ होता है MongoDB ने, तो उसको दरवाजे को बंद कर देगा। अगर इसको हम बंद ना करें तो ये वल्नरेबिलिटी होता है, इससे आपका सिस्टम आपका डेटाबेस हैक भी हो सकता है।
ठीक है, तो इसको हमेशा आपने क्लोज़ करना होता है, जब भी आपकी एप्लीकेशन बंद होती है आपने उसको क्लोज़ करना होता है लाजमी, ठीक है जी। तो ये हमने काम कर लिया हमारा डेटाबेस। अब क्या होगा कि अगर मैं इस पासवर्ड का आर अब उड़ाता हूँ अगर और पासवर्ड को गलत करता हूँ तो अब होपफुली मेरी एप्लीकेशन ब्रेक नहीं होगी, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन देखो ब्रेक नहीं हुई है। अच्छा, अब एक दो चीज़ों का हमें यहाँ पे ख्याल रखना होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया भाई बैड ऑथेंटिकेशन और ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इस तरह की बात लिखी हुई आ गई, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। जब भी मेरे पास MongoDB का डेटाबेस कनेक्ट होना फेल हो जाए तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन को शट डाउन कर देता हूँ। मैं अपनी एप्लीकेशन को क्या कर देता हूँ, शट डाउन कर देता हूँ। अच्छा, वो कैसे करता हूँ मैं, यहाँ पे जो मैं डेटाबेस को क्लोज मारा है ना, डेटाबेस को क्लोज मारने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोसेस डॉट एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, वन लगा देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ ना तो मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाएगी। अच्छा, अभी तो ये बोल रहे ना क्रैश हो गई है अब, ठीक है, एक मिनट यार, ये हम एग्जिट इसी तरह करते थे ना, नहीं वो तो मैंने आर अभी उड़ाया हुआ है ना जानबूझ के कि मेरी एप्लीकेशन एग्जिट हो जाए। एक मिनट, इसको ज़रा मैं नॉर्मली चलाऊँ ना, अभी तो npm रन dev चलाया हुआ था, npm स्टार्ट चलाते हैं ना, अभी एग्जिट होना चाहिए मेरी एप्लीकेशन को ना। हाँ, एग्जिट हो गई, ठीक है, देखो बाहर आ गई, एरर के साथ आई, जिसके साथ भी बाहर आ गई। तो ये मैंने करवाना लाजमी है, लेकिन ये काम मैंने डेटाबेस को क्लोज तसल्ली से करवाने के बाद हाथ से एग्जिट करना है। अगर मैं ये ट्राई कैच नहीं लगाता ना तो ये एरर आते ही मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती, ठीक है। ज़रा ये मैंने अभी अपनी एप्लीकेशन को काइंड ऑफ क्रैश ही करवाया है, लेकिन ज़रा तरीके से करवाया है। अच्छा, इसको अगर मैं ज़ीरो कर दूंगा, ये ज़ीरो और वन का क्या चक्कर है, कोई बता पाएगा? नहीं, ये ज़रा ना पुराने ज़माने का एक स्टैंडर्ड है कि कोई भी प्रोसेस जब एग्जिट होता है ना तो अगर वो कोड उसका ज़ीरो है तो इसका मतलब है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो के ख़त्म हुआ है, और अगर ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर है तो उसका मतलब है वो एरर कोड है उसका, ठीक है। तो मैं इसको कभी भी ज़ीरो कोशिश करूँगा कि मैं ना रखूँ, मैं वन रखूँगा इसको, ठीक है। तो वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वन रखो या ज़ीरो रखो आप, लेकिन स्टिल क्योंकि आपका तो काम प्रोसेस के अंदर अंदर का है ना, प्रोसेस के बाहर की चीज़ें जो लोग डील कर रहे हैं, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ये पता लगना चाहिए कि अच्छा ये इतनी दफ़ा एग्जिट हुआ है और इस कोड के साथ हुआ है। तो हमेशा वन के साथ एग्जिट हो रहा है, इसका मतलब है कि हर दफ़ा एरर के साथ एग्जिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इसको मैं इस तरह करके एग्जिट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं अपनी एप्लीकेशन को हाथ से बंद करता हूँ, कंट्रोल सी दबा के जब मैं अपनी एप्लीकेशन को बंद करता हूँ, तो उस सूरत में भी मुझे क्या करना है, मेरे डेटाबेस को मैंने क्लोज़ करवाना है, ठीक है। ये काम मैं कैसे करूँगा, ये काम मैं करूँगा सिग टर्म करके जो है ना उससे करूँगा मैं। अभी उसका सिंटैक्स ज़रा यार मैं अपने गिटहब से उसका सिंटैक्स निकालता हूँ, ठीक है। अब वो पता नहीं इन्होंने डॉक्यूमेंट में कहाँ लिखा होगा, ठीक है भाई, ये आ गई सेल्समैन ऐप, कब बनाई है, 2016 में, सही है, आ गया मैं DB रेपो, नॉट DB रेपो एक्चुअली, index.ts। ये वो जो है ना, ठीक है, ये आ गया सिगइंट। सिगइंट क्या है, एक इवेंट है एक्चुअली, जब भी मैं कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ ना तो वो क्या करेगा, ये सिगइंट पहले चलेगा, ये पूरा फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूँगा ऐप इज टर्मिनेटिंग, और यहाँ पे लाके, अच्छा ये तो मैंने जो कोड लिखा हुआ मोंगोस का था वो छोड़ दो, तो MongoDB कैसे क्लोज होता है, नॉर्मली वो ऐसे क्लोज होता है, ठीक है, ऐसे क्लोज होता है। अवेट लगाया तो यहाँ पे मुझे एसिंक लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने सिगइंट पे भी क्या करा दिया, कनेक्शन को क्लोज करा दिया। अब क्या होगा, मेरी चलती हुई ऐप है, अच्छा ज़रा उसको आर को सही कर देते हैं, ठीक है, आर को मैंने सही कर दिया, अच्छा WOR, यस, yes।
ठीक है, सक्सेसफुली कनेक्टेड के बाद क्यों एग्जिट हो गई? अच्छा फाइनली पे लिखा है ना मैंने उसको, फाइनली जो ट्राई पहले चलता है और कैच एरर आने के बाद चलता है, और फाइनली जो है ना दोनों केसेस में चलता है, मतलब ट्राई के भी बाद चलता है कैच के भी बाद चलता है, तो मैंने ये गलत लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एरर पे लगना चाहिए था, ये पता नहीं उन्होंने भी इसको, मैंने कट किया दोनों को यहाँ से, एरर आने की सूरत में मैंने ये काम करना है ना भाई, एरर आने की सूरत में एरर को कंसोल कराया, कनेक्शन को क्लोज कराया और एप्लीकेशन को एग्जिट करा दिया, फाइनली में ये काम नहीं होगा, फाइनली पता नहीं क्यों लिखा है उन्होंने। ठीक है, और ये हो गया जी, अभी ज़रा चल तो जाइए पहले। हाँ देखो मेरा कोड अब सही चल गया, सक्सेसफुली कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब मैं कंट्रोल सी से जब डिसकनेक्ट मारूंगा ना, कंट्रोल सी से जब अपनी एप्लीकेशन को रोकूंगा, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये सिगेंट चलना चाहिए, ऐप इज टर्मिनेटिंग, और ये डेटाबेस यहाँ पे क्लोज होना चाहिए। ठीक है, आके ज़रा करते हैं, कंट्रोल सी मैंने दबाया, ऐप इज टर्मिनेटिंग लिखा हुआ आ गया। ठीक है, एग्जिट नहीं हुआ लेकिन, अच्छा यहाँ पे शायद एग्जिट भी मुझे हाथ से करना होता है, यहाँ पे किया भाई क्या मैंने हाथ से, हाँ यहाँ पे हाथ से करना होता है मुझे, सही है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, प्रोसेस डॉट एग्जिट करूँगा, क्योंकि वो अब कंट्रोल सी को क्योंकि मैंने पकड़ लिया ना, तो इस वो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ख़त्म हो गया उसका, तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अब मुझे हाथ से लगाना पड़ेगा उसका। ठीक है, इस दफ़ा मैं देखो जीरो लगा रहा हूँ, क्योंकि ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो रही है, कोई एरर के साथ नहीं टर्मिनेट हो रही, तो अब की बार मैंने क्या लगाया, जीरो लगाया, यहाँ पे मैंने लगाया था वन या कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अब इसको ज़रा दोबारा चलाते हैं, अब ये तो टर्मिनेट अब हो ही नहीं रही, अब कैसे होगी ये, कंट्रोल जेड से होगी, हाँ कंट्रोल जेड से होगी, अबे यार वो टर्मिनेट ही नहीं हुई है, अब उसको जाके हमें टास्क मैनेजर से बंद करना होगा, एक्टिविटी मॉनिटर में जाके ना यहाँ से मुझे बंद करना होगा, वो कह रहा है भाई वो तो चल रही है अभी भी, सही है। ये मैंने नॉड को पकड़ा यहाँ से और इसको यहाँ से कर दिया क्विट, क्या हो गया, क्विट होने नहीं मांग रही है अब, चलो हो गई क्विट, सही है। एग्जाम्पल सर्वर लिसनिंग ऑन 3001 सक्सेसफुली कनेक्टेड टू मोंगो डीबी एटलस, अब मैं करूँगा कंट्रोल सी, तो ऐप इज टर्मिनेटिंग होके वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, और मोंगो डीबी मेरा डिसकनेक्ट करके मैंने उसको बंद किया है आपको, तो यहाँ तक जो मेरा कनेक्शन का प्रोसेस था ना मोंगो डीबी को कनेक्ट करने का, वो यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, इम्पोर्ट ये ऊपर मैंने इम्पोर्ट किया हुआ है, ये मोंगो डीबी का URI है, ये क्लाइंट का इंस्टेंस बनाया और क्लाइंट को यहाँ पे मैंने कनेक्ट वनेक्ट मार के सारा निपटा लिया। ये मोंगो डीबी क्या, वो यहाँ चलाया था, वो इधर चलाया था ना, NPM MongoDB। अच्छा नहीं, तुम जो कह रहे हो ना इम्पोर्ट MongoDB जो करा था ना, वो हमने ये लिखा हुआ है, वो अब इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन, क्योंकि MongoDB की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जो इम्पोर्ट करना बताया वो ऐसे बताया है, तो मैंने वो ऐसे फॉलो कर लिया, इम्पोर्ट MongoDB मैंने हटा दिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं इम्पोर्ट MongoDB करता ना, तो फिर मैं क्या करता, मैं कहता MongoDB.MongoClient ऐसे करता मैं। ठीक है, मैं MongoDB.MongoClient करता फिर, अभी मैं डायरेक्ट मोंगो क्लाइंट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ़र्क है दोनों में, ये ज़रा इसको ना डी स्ट्रक्चर करके इम्पोर्ट मारा है, ये डी स्ट्रक्चर करना इसको कहते हैं कि जी अंदर की चीज़ों को निकाल लिया। अब मोंगो डीबी में ये दो कंपोनेंट के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं दो इम्पोर्ट इसने करवाया सर्वर API वर्जन, तो इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, उसको हटा दिया मैंने, मैंने सिर्फ मोंगो डीबी क्लाइंट उठाया है यहाँ से। हाँ हाँ, Firebase के अंदर के कंपोनेंट जैसे उठा रहा होता है वो। कनेक्शन वाले में कोई चीज़ का सवाल तो नहीं है किसी का, कोई ऐसा एग्जिट? देखो डेटाबेस अगर कनेक्शन फेल हो जाता है डेटाबेस का, तो उस सूरत में दोस्त ने सवाल किया कि एग्जिट हमें कराना क्यों ज़रूरी है, यही सवाल है ना। एग्जिट कराना इसलिए ज़रूरी है कि डेटाबेस तो कनेक्ट हुआ नहीं है, सर्वर मेरा चल गया है, अब सर्वर तो चलता रहेगा, लेकिन सर्वर के चलने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो फेल होकर वापस जाएगी, क्योंकि डेटाबेस ऑफलाइन है मेरा, डेटाबेस में रिक्वेस्ट मारूंगा मैं, जब इंसर्ट करूंगा डेटाबेस में वो रिक्वेस्ट फेल होगी, क्योंकि डेटाबेस तो कनेक्ट ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए मेरी ऐप का चलना जो है ना वो मेरे लिए नुकसान है। अच्छा, अब मैं ऐप को जब एग्जिट मारता हूँ तो उससे क्या होता है, ऐप को एग्जिट मारने से ये होता है कि जो मेरा सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म है ना वो एक्टिवेट हो जाता है,
सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे मैंने अगर ऐप इंजन पे, गूगल ऐप इंजन पे मैंने अपनी ऐप को डिप्लॉय किया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे ये चीज़ होती है, एग्जिट वन के साथ होता है अगर, तो ऐप इंजन मोस्ट प्रॉबेबली मुझे ईमेल मारेगा कि आपकी एक ऐप चल रही थी इस नाम से, वो इस एग्जिट कोड के साथ क्रैश हो गई है, मुझे ईमेल करेगा वो। अच्छा, और अगर मैंने कॉन्फ़िगरेशन में ये बात लिखी भी होगी, अब मुझे नहीं पता ऐप इंजन में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है या फॉल्स होता है, सेल्फ हीलिंग अगर उसमें इनेबल हुई भी होगी तो उसको वो दोबारा से रीस्टार्ट करने की कोशिश करेगा, या जब उस सर्वर की रिक्वेस्ट आएगी ना, जाहिर है रिक्वेस्ट तो लोग कर रहे हैं, तो जैसे ही एक नई रिक्वेस्ट आएगी उसको दोबारा से चलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एप्लीकेशन एग्जिट है उसको दिख रहा है, तो वो जैसे होता है ना, आप थोड़ी देर रिक्वेस्ट नहीं करते एप्लीकेशन बंद हो जाती है, लेकिन जब नई रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करता है, दोबारा से चलाता है ना उसको, तो वो दोबारा से चलाएगा उसको, अगर ऐप एग्जिट हो गई तो दोबारा से चलाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद एक दफ़ा चलने पे जो चीज़ नहीं हो पाई थी ना, वो दोबारा चलने पे शायद वो कनेक्ट हो जाए, होता है कभी कभी एक दफ़ा में मिस हो जाता है, नहीं कनेक्ट हो पाती किसी वजह से, तो अगली दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट होगा तो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, एग्जिट वन के साथ जब भी होगा ना, उसको समझता है कि क्रैश हुआ ये, तो अगर सेल्फ हीलिंग इनेबल होगा, अब मैं अभी मैं प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, सेल्फ हीलिंग जो है ना, जैसे कुबरनेटीज है उसमें सेल्फ हीलिंग बहुत बड़ा उसका एक फीचर है, जिसको वो सेलिंग पॉइंट है उनके एक्चुअली, कि अभी कुबरनेटीज में सेल्फ हीलिंग होता है, तो क्योंकि ऐप इंजन है गूगल का जो, उसके पीछे कुबरनेटीज चल रहा है, साइक्लिक जो है हमारा, साइक्लिक पे जो होस्ट करते हैं उसके पीछे कुबरनेटीज है, उसके साइक्लिक के पीछे गूगल है, गूगल के पीछे कुबरनेटीज है, तो सेल्फ हीलिंग सब जगह बाई डिफॉल्ट इनेबल होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो काम ऐप के अंदर अंदर है ना, ऐप से बाहर क्या हो रहा है वो तो मेरा मसला नहीं है एज अ डेवलपर, वो तो ऑपरेशंस वाले बंदे का, अभी असल में डेव ऑप्स को तो मिला दिया ना उन्होंने, कि जब जो बंदा डेवलपर होगा वही डिप्लॉय भी करेगा, वरना गूगल ऐप इंजन पर डिप्लॉय करना मेरा काम थोड़ी था इससे पहले, वो तो अब मेरा काम हो गया क्योंकि डेव ऑप्स हो गया, डेव डेवलपर को और ऑपरेशन को मिला दिया कि डेवलपर ही डिप्लॉय भी करेगा क्लाउड पे जाके, अदरवाइज ये डिप्लॉय करना मेरा काम नहीं था, उसके लिए बंदा अलग होता है, ऑपरेशन का बंदा कहता है उसको, ठीक है, ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट होता है पूरा, तो उसको मैं देता पहले और वो डिप्लॉय करता, लेकिन अभी मुझे इसलिए खुद करना पड़ रहा है क्योंकि अब डेव ऑप्स है, डेवलपर और ऑपरेशन मिक्स हो गया है, इसलिए हम ये सारी बातें भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मेरा जो कंसर्न है ना एज अ डिवेलपर, डेव ऑप्स नहीं, एज अ डिवेलपर मेरा कंसर्न ऐप के अंदर अंदर का है, अब ऐप कहाँ चलती है, कैसे चलती है, मैं अपनी ऐप को ऐसे बनाऊंगा ना कि वो स्टैंडर्ड किसी भी एनवायरनमेंट में चले तो सही चले, जैसे मैंने वेरिएबल इस्तेमाल किया पोर्ट का, जो है ना process.env.port, अब पोर्ट जो है स्टैंडर्ड वेरिएबल है, अब किसी भी स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट में वो वेरिएबल होना चाहिए, नहीं है तो वो मेरा मसला नहीं है, वो स्टैंडर्ड पोर्ट जो है वो मिलनी चाहिए मुझे, अगर वो नहीं मिलेगी तो वो मेरा मसला नहीं है, मैं कहूँगा यार ऑपरेशन के बंदे को कि अपनी मशीन देखो तुम, तो इस तरह ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये स्टैंडर्ड है, जो एप्लीकेशन के अंदर अंदर मैंने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कि जी मेरी एप्लीकेशन अगर डेटाबेस नहीं कनेक्ट हुआ, मैं बोलूँगा भाई एग्जिट, एप्लीकेशन चलने नहीं दूंगा मैं, फिर अब वो एग्जिट होने के बाद अब वो सर्वर पे जहाँ पे पड़ी है जिस प्लेटफॉर्म पे, वो उसको वैसे ही छोड़ दे, या वो उसको दोबारा से रीस्टार्ट करे, वो सर्वर का मसला है, ये जिस प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय थी उसका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। अच्छा, सेल्फ हीलिंग के बहुत सारे अलग से भी टूल्स आते हैं, मॉनिटरिंग टूल आते हैं, जैसे एक क्रॉन जॉब करके एक टूल है, उसमें क्या होता है, वो हर 5-10 मिनट पे क्या करता है, आपकी ऐप पे रिक्वेस्ट मारता है, और जैसे ही वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली आती है ना रिस्पॉन्स, तो उसको लॉग मेंटेन करता है, और जैसे ही फेल होती है तो वो फिर ईमेल मारना शुरू कर देता है। इसी तरह एक टूल है पता नहीं हेल्थ चेक करके कुछ है इस तरह, वो भी यही करता है कि आप क्या करता है, वो आपकी वेबसाइट पे ना रिक्वेस्ट मार रहा होता है, और रिक्वेस्ट मार के वो पूरा एक कैलेंडर बनाता है कि वो डेली जो है ना कितने घंटे तक आपकी वेबसाइट डाउन रही है, अप रही है, आपने देखा होगा अक्सर वो लोगों ने पूरा डैशबोर्ड बनाया हुआ होता है, ठीक है, तो वो अप टू करके कुछ, शायद पता नहीं नाम है उसका, या हेल्थ करके कुछ नाम है, अप टू करके नाम है, तो इस तरह के टूल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। सेल्फ हीलिंग अगर नहीं भी है ना किसी प्लेटफॉर्म में, तो ये थर्ड पार्टी टूल कोई ना कोई इस्तेमाल करके बंदा सेटिंग कर लेता है। स्टिल इन सारे टूल से आपका इंट्रोडक्शन मैं नहीं करवा पाऊंगा, टाइम शॉर्ट है, और दूसरा ये ज़रा ऑपरेशन की साइड पे ज़्यादा इसका जो है ना झुकाव है, डेवलपर साइड पे नहीं है, तो हम ज़रा यहाँ पे डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ऑपरेशन तो इंशाल्लाह फिर वो जब आप करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा आपको ना, और बेसिक चीज़ें तो ऑपरेशन की आ गई हैं, आपको डिप्लॉय करना, अप स्केल डाउन स्केल करना, जो YAML की फाइल हमने देखी है ना कि जी मैक्सिमम कितना होगा मिनिमम कितना होगा, तो बस बेसिक ऑपरेशन तो यही है। अब उसके बाद छोटी 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 चीज़ें फिर इतनी सारी हैं कि वो ज़ाहिर है करोगे तभी पता चलेगा। अच्छा भाई, ये पता चल गया हमें MongoDB का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबसे पहला काम हमें जो करना है वो क्या करना है, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है, यानी कि जो मेरा
सही है, यहाँ से नीचे गिरेगी रिक्वेस्ट, नीचे गिरने के बाद यहाँ पे आएगी पोस्ट राउटर के अंदर, और पोस्ट राउटर के अंदर जाके मैंने क्या करना है, मैंने इस जगह पे वो करना है, क्या कहते हैं, जो पोस्ट है मेरा ये वाला पोस्ट, इस पोस्ट में जो मैं वेरिएबल के अंदर डालता हूँ ना इसको पोस्ट डॉट अनशिफ्ट करके, इसकी जगह मुझे डेटाबेस में डालना है। आज जो ज़रा इंसर्ट का डॉक्यूमेंट यहाँ पे देख लेते हैं, अब हम इंसर्ट करना है, इन्होंने कहाँ पे बताया, सही है ये, हाँ क्लस्टर बना है ना, अभी डेटाबेस बनेगा उसके अंदर, अभी रुक जाओ, ये रहा कनेक्ट टू योर क्लस्टर और इंसर्ट एंड व्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, नॉट जेएस ड्राइवर, ये आ गया मेरा भाई, डेटाबेस यहाँ पे बन रहा है, सही है, उस क्लस्टर के अंदर डेटाबेस बना रहे हैं। अच्छा देखो क्या किया, क्लाइंट से कनेक्ट कर दिया इसको, डीबी नेम ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, अभी डीबी नेम को नीचे ये कनेक्ट करेगा, ठीक है, क्लाइंट डॉट कनेक्ट हुआ, और ठीक है क्लाइंट डॉट डीबी नेम आ जाओ, ये हम पकड़ लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे आके मैं टॉप पे क्या करूँगा, ये वाला काम पकड़ूंगा, और इसका साथ साथ ये भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा मुझे MongoDB क्लाइंट। अच्छा MongoDB क्लाइंट मैं यहाँ वाले से इम्पोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं ज़रा नए वाले तरीके से कर रहा हूँ ना, ठीक है, MongoDB कनेक्शन तो मेरा हो गया है, अब जस्ट मैं क्या करूँगा, MongoDB क्लाइंट डॉट ये वाला काम करूँगा, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि क्लाइंट तो इसका इंस्टेंस है, ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्लाइंट तो इसका इंस्टेंस है, तो मुझे अब करना है कि अब मेरे पास यहाँ पे ये बना हुआ है एक ये वाला वेरिएबल, ये मुझे उस वाले में चाहिए, अब ये मैं कैसे इसको गेट करूँगा उस वाले में, मुझे इसको एक अलग फाइल में बनाना पड़ेगा, और अलग फाइल में बना के एक्सपोर्ट करूँगा, फिर जहाँ मर्जी इस्तेमाल करता रहूँ, समझ रहे हो, तो एक अलग फाइल बना लेते हैं जल्दी से हम, अगर तो सेम फाइल में होता तब तो इशू नहीं था, मैं इसी क्लाइंट पर डॉट डीबी लगाता और चल मेरा भाई आगे कर देता इसको, लेकिन क्योंकि अभी ये क्लाइंट मुझे चाहिए वहाँ पर भी, या तो वहाँ पर मैं दोबारा कनेक्शन बनाऊँ तो दो कनेक्शन खुल जाएगा, ये मुनासिब चीज़ नहीं है, एक ही कनेक्शन खोलना है मैंने, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर आऊँगा मैं, और यहाँ पर आके मैं बोलूँगा कि जी MongoDB.mjs, ठीक है MongoDB.mjs किया मैंने, और मेरे सर्वर पर जो सारा काम ये मैंने किया है ना, MongoDB को इम्पोर्ट करना और ये सारा काम करना, इन सबको यहाँ से मैं कट करके लेकर आ जाऊँगा कहाँ पे, इस MongoDB.mjs में, सही है, और MongoDB.mjs में लाने के बाद ये क्लाइंट जो मेरा है इसको मैं क्या कर दूँगा, एक्सपोर्ट क्लाइंट कॉन्स्ट क्लाइंट ऐसे करके कर दूँगा, ठीक है एक्सपोर्ट कर दिया इसको मैंने, अब इस क्लाइंट को मैं कहीं पर भी इम्पोर्ट कर सकता हूँ, राइट, ठीक हो गया। अब मुझे सर्वर पे तो ये चाहिए नहीं, मतलब इस फाइल में तो मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि इस फाइल में तो डेटाबेस का कोई ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, जिधर चाहिए उधर ही इंपोर्ट करूंगा, फिर सब जगह करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है यहाँ नहीं चाहिए मुझे, ये पोस्ट वाले में ही चाहिए, तो पोस्ट वाले में जाके मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा इम्पोर्ट और ये कर्ली ब्रेसेस फ्रॉम ././ MongoDB.mjs, और यहाँ पे आके जब मैं अब कमांड और स्पेस दबाऊँगा ना तो ऑटोमेटिकली ये मुझे क्या कर देगा, क्यों नहीं शो कर रहा, ये क्लाइंट शो कर दिया इसने मुझे, ठीक है इस क्लाइंट के ऊपर डॉट क्या करूँगा मैं, डॉट डीबी जो अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ था इस जगह पे, ठीक है कहाँ गया वो, ये रहा क्लाइंट डॉट डीबी नेम, डीबी नेम मैंने क्या रखना है फिलहाल अपना, मैंने रख देना है कि यार क्रट डीबी, सही है वहाँ जाके बनाना नहीं पड़ता, ये खुद वहाँ पे भी जाके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी लिख दें तो ऑटो क्रिएट हो जाता है, अगर ये नहीं होगा ना इस नाम का डेटाबेस तो ऑटो क्रिएट हो जाएगा, ये हिसाब के बाद है, ठीक है MongoDB स्कीमा लेस है, अभी इंशाल्लाह स्कीमा लेस पे हम डिस्कशन करते हैं, ज़रा पहले हेलो वर्ल्ड पूरा कर लें हम, फिर स्कीमा लेस पर डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों है, सही है, तो क्रट डीबी मैंने इसका नाम रख दिया, और अब मैंने क्या करना है, इस डीबी के ऊपर डॉट लगा के मैंने क्या करना है, कलेक्शन का नाम बताना है, अब कलेक्शन क्या चीज़ है ये भी हम समझते हैं, कलेक्शन मेरे केस में क्या होगा, पोस्ट्स होगा, एस लगा हुआ होगा कलेक्शन में, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद उसको इंसर्ट किया,
और इंसर्ट करने के बाद उसको दोबारा फाइंड भी करना बता रहा है, लेकिन फिलहाल मेरा काम सिर्फ इंसर्ट तक का है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जहाँ पे मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट है ना, मेरे पास जो पोस्ट की रिक्वेस्ट में जो ये अनशिफ्ट होता है, अनशिफ्ट को अब मैं रोक दूंगा और अनशिफ्ट की जगह पे अब ये वाला काम कर दूंगा मैं। मेरे केस में ये पर्सन डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरे केस में क्या है, ये मेरे केस में है न्यू पोस्ट, सही है। लेट न्यू पोस्ट इक्वल्स टू, ये मेरी पूरी की पूरी पोस्ट है, जो कि मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके आके मेंशन कर देता हूँ, ठीक है जी। ये मेरा एक न्यू पोस्ट मेरी तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे अलग से तैयार किया नई न्यू पोस्ट को और फिर यहाँ पे पास किया है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे पास किया है। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं इस पूरे को क्या करूँ, यहाँ पे से ऐसे कट करूँ और इस जगह पे लिटरली इसको बना दूँ मैं, बजाय वेरिएबल में पहले बना के अलग से रखने के, मैं यहीं पे डायरेक्ट इसको दे दूँ मैं, ठीक है। कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन और उस पर अवेट लगाया है। अवेट का मतलब क्या है कि ये एक एसिंक्रोनस कॉल है, इसको जाने में इंटरनेट पे और वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इसका मतलब है यहाँ पे अवेट है ना जब, तो इस पूरे फंक्शन को एसिंक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, एसिंक मेंशन कर दूँगा कि भाई ये एसिंक फंक्शन है, तो ये अंदर अवेट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इंसर्ट रिस्पॉन्स। अब मैंने जो कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन किया है और ये डॉक्यूमेंट दिया है उसको कि जी आप ये इंसर्ट कर दो, तो उसका रिस्पॉन्स मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स को मैं क्या करा देता हूँ, कॉन्सोल पे लॉग करवा देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कॉन्सोल पे क्या करवा दिया, लॉग करवा दिया। अब मुझे इस वाले की ज़रूरत नहीं है, अब मैं क्योंकि डेटाबेस में डायरेक्ट एंट्री मार रहा हूँ। अच्छा, डेटाबेस में अब ज़रा देख लेते हैं कि ये मैंने किया क्या है, एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लेते हैं कि किया क्या है मैंने। देखो, ये तो डेटाबेस का नाम है, ये तो समझ आ गया, क्योंकि वहाँ पे जो हमने बनाया था वो क्लस्टर था, वो डेटाबेस नहीं था। कल डेटाबेस यहाँ पे अब बना है। अच्छा, डेटाबेस अगर मौजूद होगा तो सही है, उसी में पकड़ लेगा, नहीं होगा तो बना देगा, ये हो गया। कलेक्शन क्या चीज़ है, जो जिन लोगों का सीक्वल का बैकग्राउंड है, कलेक्शन इज़ समथिंग इक्वल टू टेबल, कि जी एक टेबल है वो कलेक्शन उसको बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। और सीक्वल में क्या होता है, टेबल में रोज होती हैं, एक रो जो है वो एक डेटा पॉइंट होता है ना, तो इसमें उस चीज़ को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का सीक्वल का बैकग्राउंड नहीं है उनको ज़रा समझा देता हूँ मैं। देखो, MongoDB के डेटाबेस में बहुत सिंपल हिसाब किताब है, एक कलेक्शन होगा जिसमें सिमिलर डॉक्यूमेंट होंगे सारे। मिसाल के तौर पर जितनी भी पोस्ट आएगी ना, उसका वो एक कलेक्शन में जमा होगी और उस कलेक्शन को एक नाम दे सकते हैं आप। तो उस कलेक्शन को मैं नाम क्या देता हूँ, नाम उसका हमेशा एस के साथ होगा, प्लूरल नाम होगा, तो मैंने उसका नाम रखा पोस्ट, एस लगा दिया लास्ट में। तो कलेक्शन के नाम में एस लगाते हैं, कन्वेंशन है ये, ना लगाएं तो भी सही है लेकिन कन्वेंशन है, लोग लगाते हैं तो आप भी लगाएंगे फिर। अच्छा, फिर क्या होता है, कलेक्शन मैंने पकड़ लिया, अब इस कलेक्शन के अंदर मैं जितनी भी पोस्ट आएगी ना मेरे प्लेटफॉर्म पे, वो सारी इसके अंदर जाएगी, भले वो कोई भी यूज़र पोस्ट कर रहा हो, वो सारी इसके अंदर जाएगी। और एक पोस्ट क्या कहलाएगी, एक डेटा पॉइंट है एक पोस्ट, उसको वो कहलाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है, ठीक है। बस यही पे ख़त्म है MongoDB, ये तीन चीज़ों के अंदर ही ख़त्म है। अच्छा, फायरबेस में ज़रा उन्होंने उल्टा काम किया हुआ है, जो कि डिज़ाइन के ख़िलाफ़ काम किया हुआ है। वो क्या करते हैं कि कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर फिर कलेक्शन है, सही है। तो ये वाला एक उन्होंने गलत काम किया, जिसकी वजह से अगर ये वाला काम किसी ने इस्तेमाल कर लिया ना ये अपने लॉजिक में, तो वो फिर दुनिया के किसी और डेटाबेस पे मूव ही नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसको बहुत लंबी चौड़ी लॉजिक लगानी पड़ेगी किसी और डेटाबेस पे मूव करना है तो। सिंपल इनफ है, समझ आ गया। अच्छा, जब भी मैं डॉक्यूमेंट इंसर्ट करूँगा ना, मैं डायरेक्ट डेटाबेस में नहीं कर सकता, मैं हमेशा कलेक्शन में करूँगा। मैं कभी भी जब नया डॉक्यूमेंट मैं इंसर्ट करूँगा इस पर, जैसे नई पोस्ट आती है मेरे पास, या मैं स्टूडेंट साइनअप कर रहा हूँ अगर, तो नया स्टूडेंट जब मेरे पास आता है तो उसकी अलग कलेक्शन होगी एक। डायरेक्ट मैं करंट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा किसी ना किसी कलेक्शन के अंदर करूँगा। तो एक डेटाबेस है, उसके अंदर 4, 5, 6, 10, 12 कलेक्शंस होंगी। कलेक्शन बनाने की कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी कलेक्शन बना लो, ठीक है। एक टीचर्स का बना लिया, एक स्टूडेंट्स का बना लिया, एक सब्जेक्ट्स का बना लिया, ठीक है, एक अटेंडेंस का बना लिया कि जी अटेंडेंस के सारे रिकॉर्ड इसमें आते हैं। तो ये आप कलेक्शन बना लोगे हर चीज़ का अलग अलग, और जितनी भी अटेंडेंस आएगी फिर वो उसमें जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपने बोला स्टूडेंट अटेंडेंस का अलग कलेक्शन है, टीचर अटेंडेंस का अलग कलेक्शन है, तो टीचर की अटेंडेंस आप उस कलेक्शन में डालते हो, स्टूडेंट की आप इस वाले में डालते हो। हाँ, एक्सेल को तो भूल जाओ अभी थोड़ी देर।
भाई डेटाबेस में क्रड ऑपरेशन तो सीख लो अभी, डायरेक्ट तुम बोल लो एक्सेल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्रड ऑपरेशन तो अभी मेजर फर्क ये है कि वो डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्ट हो जाता है, मेजर फर्क ये है। और दूसरा ज़रा उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है ये डॉक्यूमेंट बेस, ये जो अप्रोच है ना जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, ठीक है, डॉक्यूमेंट बेस्ड है कैसी डॉक्यूमेंट के तौर पे चीज़ें सेव हो रही होती हैं, तो है वो भी डॉक्यूमेंट बेस ही, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी हैं ना जो किसी डॉक्यूमेंट बेस में नहीं होता उस तरह, उन्होंने कुछ चीज़ें वो ऐड कर दी, वो तो उन्होंने भर्न मारा है, लेकिन मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि वो डायरेक्ट फ्रंट एंड से कनेक्ट होता है, उसमें सिक्योरिटी रूल्स लगते हैं, ये बिल्कुल एक अलहदा चीज़ है, ठीक है, इसमें सिक्योरिटी रूल वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं है, इसके अंदर डेटाबेस यूज़र क्रिएट होता है, रीड राइट का एक्सेस होता है उसको, इसके अंदर सर्वर से एक्सेस होता है, ये फ्रंट एंड से कभी भी कनेक्ट नहीं करते आप, तो मेन मेन जो डिफरेंस है वो तो यही है, बाकी सेव वो भी इसी तरह कराता है पीछे जैसे ये करा रहा है। हाँ डैशबोर्ड इसका ये रहा, डैशबोर्ड इसका जो है ना ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, अभी मैं जाऊँगा ना ब्राउज कलेक्शन के अंदर, तो ब्राउज कलेक्शन के अंदर आप देखें अभी बता रहे हैं कि कोई कलेक्शन नहीं है इस वक्त, अभी आ जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको अभी हिट करूँगा ना और पोस्ट मारूंगा एक अदद इस पर, तो ये जब कोड मेरा रन होगा तो ये चल जाएगा, फिर एक अदद आ जाएगा इस पर। आ जाते हैं यार यहाँ पे कलेक्शन के अंदर, हम कलेक्शन हमने किस नाम से बनाई थी हमारी, SMID V9 और V1 और पोस्ट और क्रिएट पोस्ट, और क्रिएट पोस्ट के ऊपर मैंने जब इसको हिट किया यहाँ से तो एरर आ गया, सक्सेसफुली कनेक्टेड, तो अच्छा ये ऐप रन ही नहीं हो रही ना, इसको रन तो करें पहले, ऐप को पहले तो रन करना होगा ना जब ही तो चलेगी वो। अच्छा भाई चलो हिट किया मैंने पोस्ट क्रिएटेड, और यहाँ पे मैंने कंसोल क्या किया था, इंसर्ट का रिस्पांस कंसोल किया था, तो इंसर्ट के रिस्पांस में क्या लिखी गया ये बात, एक्नॉलेज ट्रू, के मतलब जो चीज़ मैंने भेजी थी ना सामने से उसने एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ यार मुझे मिल गई है वो चीज़, ठीक है। इंसर्टेड ऑब्जेक्ट ID ये बना दी उसने, उसने बोला कि भाई जो भी आपने डेटा भेजा था ना हमें MongoDB के अंदर या Firebase के अंदर, जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को वो क्या देता है, एक अदद यूनिक ID देता है, तो ये _ID के नाम से ना यहाँ पे एक चीज़ मुझे इसने यहाँ पे दे दी है लाके। अब मैं यहाँ पर जाकर जब इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो यहाँ पे मुझे कलेक्शन भी दिखेगा, यहाँ पे मुझे डेटाबेस भी दिखेगा, और देखो यहाँ पे CRUD DB करके डेटाबेस दिख रहा है, पोस्ट करके कलेक्शन दिख रहा है, और कलेक्शन के अंदर मौजूद ये _ID से ये ID है, ये वाली ID मैंने दे के भेजी थी तो ये वो ID है, ये दोनों डेटा पॉइंट्स हैं। आसान है, सही हो गया भाई। अच्छा अब इसी तरीके से मुझे क्या करना है, गेट ऑल पोस्ट का काम करना है, गेट ऑल पोस्ट वाला काम मुझे करना है, तो आ जाते हैं वापस डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे से हम वो देख लेते हैं क्वेरी डेटाबेस ना, यार कहाँ चला गया, अलग से लिख लेते हैं गूगल पे, पता नहीं इसमें मिल रही नहीं है यार, मैं लिख देता हूँ MongoDB क्वेरी डॉक्यूमेंट, सही है ये आ गया भाई MongoDB क्वेरी, पता नहीं अंदर उन्होंने कैसे अरेंज किया उसको, वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा भाई गौर से इधर देखो, समझ नहीं आएगा वरना फिर बाद में। अच्छा ये मुझे आ गया भाई MongoDB CRUD ऑपरेशन करके पूरा डॉक्यूमेंट आ गया, इंसर्ट डॉक्यूमेंट ये लगाया हुआ इन्होंने, उसके बाद क्वेरी डॉक्यूमेंट के अंदर 4-5 अलग अलग तरीके से जो है ना इन्होंने क्वेरी किया हुआ है, ठीक है। तो देखना शुरू करते हैं पहले वाले से इसको हम। अच्छा पहले तो इसने इंसर्ट किया है कि भाई ये डॉक्यूमेंट मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इसी पे क्वेरी चलाऊंगा, ठीक है। MongoDB के डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह बताया हुआ है कि जी ये डेटा है सारा, क्या है डेटा इसका, इन्वेंटोरी के नाम से जो है कलेक्शन बना हुआ है, और उसके अंदर हर आइटम के अंदर क्वांटिटी साइज स्टेटस और आइटम का नाम है, ठीक है। तो एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, चार आइटम, तकरीबन 5-6 आइटम इसने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए, इंसर्ट मैनी करके, हमने जो किया वो इंसर्ट वन है ना, अभी इंसर्ट मैनी करके इसने ये सारा इंसर्ट कर दिया। अब आगे नीचे देखते हैं क्वेरी लगाना कैसे बता रहा है ये, देखो क्वेरी लगाना इसने कैसे बताया, इसने बोला db.collection, कलेक्शन का नाम .find, और फाइंड के अंदर आप क्या दोगे, ऐसे करके क्वेरी का ऑब्जेक्ट दोगे आप पूरा,
मतलब अच्छा क्वेरी में इसने बोला साइज़ क्या हो, हाइट 14 हो उसकी और विड्थ 21 हो और ये सेंटीमीटर हो इस तरह करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने ये लिखा था इससे मैच होगा तो ये लेकर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी को हम उठा लेते हैं अपने पास। लेकिन हमारे केस में क्या करना है, हमारे केस में गेट ऑल पोस्ट का काम करना है हमने, सही है, हमने गेट ऑल पोस्ट करनी है ना। तो गेट ऑल पोस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, जो क्वेरी लगाऊंगा तो इसमें जो मैं क्वेरी का ऑब्जेक्ट पास करूंगा ना वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट करूंगा। एम्प्टी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट उठा के ले आओ। हमारे केस में कलेक्शन कौन सी है हमारी, पोस्ट से, ठीक है। चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे बना लूँ, चाहूँ तो मैंने ऊपर एक बना के रखा हुआ है पहले से ही, ये ना कलेक्शन मैंने बना के रखा हुआ है तो मैं इसी को कलेक्शन को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बनाया हुआ है अलग से। मैंने कहा भाई कलेक्शन डॉट फाइंड डायरेक्ट लगाओ और एम्प्टी लिखो यहाँ पे क्वेरी। तो ये मुझे क्या ला के देगा, ये मुझे ला के देगा कर्सर। कर्सर का मतलब है, अभी देखो इस पे एसिंग का वेट वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, ये मुझे जस्ट कर्सर ला के देगा कि ये डॉक्यूमेंट जो आप फाइंड करना चाह रहे हो ये किधर पड़ा हुआ है। ये जस्ट मुझे कर्सर ला के देगा, एक्चुअल डॉक्यूमेंट नहीं ला के देगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कर्सर को डॉट क्या करना पड़ेगा, टू एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये काम कैसे होगा, ये काम होगा एसिंग का वेट से, सही है। इसको मैं बोलूँगा कि भाई अवेट, यहाँ पे रुको, लेट रिजल्ट्स इक्वल्स टू, ऐसे करके हो गई, ठीक है। यहाँ पे अवेट लगा हुआ है तो ये फंक्शन एसिंक होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला भाई अवेट और कर्सर को टू एरे में कन्वर्ट किया। मैंने कहा भाई ये कर्सर जो है ना, यहाँ जाओ डेटा उठा के लाओ और उसको एरे की फॉर्म में मुझे ला के दो, क्योंकि मुझे पता है एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आने वाला है तो मुझे एरे की फॉर्म में मुझे उसको मैंने मंगवा लिया। और इस रिजल्ट्स को मैंने कहाँ भेज दिया, इधर भेज दिया, ठीक है। अच्छा इस रिजल्ट्स को कंसोल भी करा लेते हैं साथ साथ, मे बी इसमें कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जो मैं फ्रंट एंड में भेजना ना चाह रहा हूँ, हो सकता है। रिजल्ट्स कॉमा रिजल्ट्स, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कंसोल भी करवा लिया। अब ज़रा आके इसको हिट करते हैं और देखते हैं, गेट ऑल पोस्ट की एपीआई मैंने कॉल करनी है, इसकी एपीआई मैंने कॉल की और मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, इस तरह से ये पूरी पोस्ट मिल गई है एरे की फॉर्म में और यहाँ पे ये प्रिंट भी हो गई है, ठीक है। आसान था, मुश्किल तो नहीं है जी। डॉट जेसन कर्सर के मेथड्स होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। कर्सर के मेथड्स होते हैं, आप अलग से इसको सर्च कर लेते हैं, मोंगो डीबी। कर्सर मेथड्स, तो ये आ गया भाई कर्सर के मेथड सारे, ठीक है। ये सारे मेथड्स हैं, इसमें काउंट है कि भाई काउंट कर ले कितने डॉक्यूमेंट मिले हैं, ठीक है। डॉट फॉर ईच है, उसको ऑटोमेटिकली लूप चला ले उसके ऊपर, और क्या है, मैप भी चला सकते हैं उसके ऊपर हम, और कर्सर से एक एक करके भी गेट कर सकते हैं। डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करेंगे ना, एक एक करके देगा वो, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसमें डॉट सॉल्ट है कि जी वो जो डेटा मुझे मिला है उसको मैं सॉल्ट कर लूँ, किसी भी एक की के ज़रिए मैं उसको सॉल्ट कर सकता हूँ ना, तो ये हो सकता है। टू एरे एक, बस यही है सारे जो भी अवेलेबल है। हेलो, अच्छा भाई ये काम हो गया। अब ज़रा ये गेट ऑल देख लिया हमने, अब गेट वन भी देख लें ज़रा, इतना बहुत है आज के लिए। अच्छा चलो सही है, हमने गेट पोस्ट करना और गेट करना देख लिया, एडिट और डिलीट नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, सही है। और ज़रा फिर हम डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस, मोंगो डीबी इज़ अ नो सीक्वल डेटाबेस, तो नो सीक्वल में और सीक्वल में क्या डिफरेंस है,
डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस क्या होता है ये भी ज़रा हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, MongoDB की कैपेबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का जो ऑलरेडी बनी हुई ऐप है ना, ये क्रड ऐप आप ऑलरेडी बना चुके हैं वेरिएबल के साथ, आपने जस्ट उसके सर्वर पर जाके इसको कनेक्ट मारना है और क्रिएट और रीड जो है ये दोनों काम जो हमने कर लिया है इसको MongoDB के ज़रिए करना है। अच्छा, एडिट और डिलीट भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, लिखा हुआ कोड है यहाँ पे ना, यहाँ पे आप आओगे ना इधर तो ये देखो लिखा हुआ कोड है यहाँ पे, अपडेट अ डॉक्यूमेंट, सही है, कोड लिखा हुआ है पहले से यहाँ पे अपडेट का ना, तो बस आप अपडेट वन चलाओगे तो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिलीट डॉक्यूमेंट जो है तो ये आ गया कलेक्शन डॉट डिलीट वन डिलीट मैनी डॉट रिमूव, कोई मुश्किल नहीं है इतना, चाहो तो इसको डॉक्यूमेंट से पढ़ के ना अप्लाई कर लेना, ठीक है। हाँ देखो, अंडर स्कोर आईडी को ना आमतौर पे हम छेड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो MongoDB एक अपने मैकेनिज्म के तहत यूनिक आईडी बना रहा होता है और वो जो आईडी होती है वो मेरे पूरे डेटाबेस में यूनिक होती है, सही है। तो लेकिन एडिशनली जैसे मेरे केस में देखो, मैंने एक एडिशनल यहाँ पे ना आईडी लगाई हुई है, तो इस तरह आईडी एक और रख लो, एक ही बात है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।